सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को समझने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है. व्हाट इज अ सब्जेक्ट. तो मैंने यहाँ पे आप पे दो सेंटेंसेस लिखे, आई एम डूइंग द वर्क, और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा द वर्क इज डन बाय मी. इन दोनों में अगर मैं सब्जेक्ट की बात करती हूँ बेटा, तो इन दोनों में सब्जेक्ट क्या है. फर्स्ट वाले में सब्जेक्ट हमारा आई है और सेकंड वाले में सब्जेक्ट हमारा द वर्क है. तो क्या सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस की शुरुआत में आता है, क्या सब्जेक्ट डूअर होता है जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है. नहीं, आंसर नो है. सब्जेक्ट वो शब्द होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं. व्हाट इज अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारा वो शब्द है जिसके बारे में हम बात करें, व्हाट वी टॉक ऑफ. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस की बात करती हूँ, आई एम डूइंग द वर्क, मैं काम कर रही हूँ, तो सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, व्हाट वी टॉक ऑफ. फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, आई एम डूइंग द वर्क, मैं काम कर रही हूँ, किसके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है. कौन काम कर रहा है, मैं काम कर रही हूँ. तो फर्स्ट सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, फर्स्ट सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट आई हो गया. दूसरा सेंटेंस हमने देखा द वर्क इज डन बाय मी, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं काम के बारे में. क्या चीज मेरे द्वारा की जाती है, मेरे द्वारा काम किया जाता है. तो जिसके बारे में बात होती है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है. तो फर्स्ट सेंटेंस में हमारा आई सब्जेक्ट है, जबकि सेकेंड सेंटेंस में हमारा द वर्क सब्जेक्ट है. एक और एग्जाम्पल से समझते हैं. मैंने आपके सामने एक और सेंटेंस लिखा, जस्ट आउटसाइड द होटल आर देयर टू शॉप्स, होटल के जस्ट बाहर दो दुकानें हैं जो हमेशा बंद रहती हैं. इसमें मुझे सब्जेक्ट बताइए, सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं. क्या मैं कह सकती हूँ हम बातें दुकानों की कर रहे हैं, वो दुकानें हैं जो बंद रहती हैं. दुकानों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि दुकानें बंद रहती हैं. तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो गया, इस सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट है वो है टू शॉप्स. सब्जेक्ट होटल नहीं है, सब्जेक्ट क्लोज्ड नहीं है, सब्जेक्ट है कि कौन सी चीज है जो बंद रहती है. तो सब्जेक्ट इज टू शॉप्स. समझ में आया सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन. तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो चीज होती है जिसके बारे में हम बात करते हैं. अब एक एक करके हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे इस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के. 11 कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगी इस वीडियो में. 11 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अगर आपको कमांड आ गया तो कहीं से कोई भी सवाल आ जाए आप कर लोगे. 11 कॉन्सेप्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं, तो नोटबुक्स ओपन करके बैठिएगा, नोट करते हुए चलिएगा. ये 11 कॉन्सेप्ट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए जो मैं इस वीडियो में आज आपको पढ़ाने वाली हूँ. तो स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर 1 से. कॉन्सेप्ट नंबर 1 बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, पर उससे पहले मैं आप लोगों को पूछूंगी, मैंने आपको यहाँ पे दो सेंटेंसेस दिए, मुझे बताइए यहाँ पे इज लगाऊं या आर लगाऊं. आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो आप इज लगा सकते हैं या आर लगा सकते हैं. तो आप क्या लगाएंगे, राम एंड श्याम. मैम सिंपल सी बात समझ में आ रही है, राम एंड श्याम दो लोग हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो हमने क्या लगाया, आर लगाया. राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स. ब्रेड एंड बटर, मैम दो चीजों की बात हो रही है, दो चीजें मिलती हैं उसके दुकान पे, ब्रेड और बटर, क्या लगाया, आर लगाया. बिल्कुल सही बात है, दोनों में क्या लगा, दोनों में आर लगा. लेकिन जैसे ही मैंने आपको ये तीसरा सेंटेंस दिया, ब्रेड एंड बटर डैश हिज डेली ब्रेकफास्ट, यहाँ पे आर नहीं लगा, यहाँ पे क्या लगा, इज लगा. तो दिक्कत ये आ गई कि पहले ब्रेड एंड बटर के साथ आपने आर लगाया था, दूसरे ब्रेड एंड बटर के साथ आपने इज लगाया, कॉन्सेप्ट क्या है. तो कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि जब भी दो सब्जेक्ट्स को आप एंड शब्द से कनेक्ट करते हो, जब भी आप दो वर्ड्स को एंड से कनेक्ट करते हो, तो वर्ब कैसी लगाते हैं, तो जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है, इसीलिए हमने आर लगाया था. लेकिन अगर ये दोनों सब्जेक्ट्स, इफ बोथ द सब्जेक्ट्स, अगर ये दोनों सब्जेक्ट्स पॉइंट आउट कर रहे हो एक ही चीज को, अगर ये दोनों सब्जेक्ट्स एक ही चीज को पॉइंट आउट करते हैं,
तो जो वर्ब लगती है वो हमारी सिंगुलर होती है। अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं वेल एंड गुड, प्लूरल वर्ब लगाओ, लेकिन अगर वो दोनों एक सिंगल चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो आपको जो वर्ब लगानी है वो आपको सिंगुलर लगानी है। एग्जाम्पल से समझो, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। दो अलग अलग थे, दो अलग अलग थे तो मैंने क्या लगाया, आर लगाया। अगला, ब्रेड एंड बटर आर अवेलेबल एट हिज शॉप। जब ब्रेड और बटर उसकी दुकान पे मिल रहा था तो दो अलग अलग पैकेट में मिल रहा था, ब्रेड का पैकेट अलग था, बटर का पैकेट अलग था। दो अलग अलग चीजें थी, दो अलग अलग चीजें थी तो मैंने क्या लगाया, तो मैंने आर लगाया। लेकिन जब हमने ब्रेकफास्ट में खाई तो हमने क्या किया, हमने दो ब्रेड के बीच में बटर लगा के खाया। दो ब्रेड के बीच में बटर लगा के खाया मतलब ब्रेकफास्ट का आइटम कितना बना, मतलब ब्रेकफास्ट का आइटम एक बना। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, इसीलिए हमने यहाँ पे इज लगाया। तो जब दो अलग अलग चीजें होती हैं, ब्रेड एंड बटर डैश अवेलेबल एट इज शॉप, जब दुकान पे बिक रही थी तो दो अलग अलग पैकेट थे इसलिए आर लगा था। जब खाया हमने तो एक साथ खाया, एक ब्रेकफास्ट का आइटम बना इसलिए इज लगा। इज द कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसकी मम्मी ब्रेड अलग से खिलाती हो और बटर अलग से खिलाते हो। अगर ब्रेड अलग से खिलाई जाती है, बटर अलग से खिलाया जाता है तो आर लगा सकते हो भाई। अदरवाइज नॉर्मल सेंस में क्या करते हैं, दो ब्रेड के बीच में बटर लगा के खाते हैं। अब अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो मुझे आगे इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। चार क्वेश्चंस हैं, बताइए कहाँ इज आएगा और कहाँ आर आएगा। एवरीवन, द हॉर्स एंड कैरेज डैश एट द डोर। दरवाजे पे घोड़ा और घोड़े के पीछे की गाड़ी खड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, बहुत अति सुंदर है मेरी ड्राइंग। ये घोड़ा है और उसके पीछे ये गाड़ी है, तो ये एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? क्या इंसान घोड़े पर बैठ के अलग से आएगा, इस गाड़ी पर बैठ के अलग से जाएगा, या इंसान एक ही ये व्हीकल है उस पर जाएगा? कहने से ये एक ही व्हीकल है, एक ही चीज है, एक ही गाड़ी है, एक ही व्हीकल है, इसका मतलब यहां पे क्या लगेगा, इज लगेगा। द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर। फायर एंड वाटर अलग अलग है या एक ही है? आग और पानी भाई कभी एक साथ हो भी सकता है? नहीं हो सकता। आग और पानी दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल का मतलब क्या है, डू नॉट या फिर डोंट। राइस एंड करी, जब मम्मी दाल चावल बनाती है तो दाल चावल एक बनाती है या अलग अलग बनाती है? दाल को अलग बनाती है, चावल को अलग बनाती है? जब मम्मी दाल चावल बनाती हैं तो दाल अलग बनाई जाती है, चावल अलग बनाए जाते हैं, दो अलग अलग चीजें हो गई। क्या आया आर? राइस एंड करी फेवरेट मील है। जब हम खाते हैं दाल और चावल तो मिला के खाते हैं, दाल और चावल एक डिश है उसको मिला के खाते हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या आया, इज आया। कॉन्सेप्ट क्लियर? सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी दो सब्जेक्ट्स एंड वर्ड से कनेक्टेड होंगे और दोनों अलग अलग चीजों को शो कर रहे होंगे तो वर्ब जो होगी वो प्लूरल आएगी। अगर वो दोनों सब्जेक्ट एक ही चीज को दर्शा रहे होंगे तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। कॉन्सेप्ट नंबर वन क्लियर एवरीवन? अब इसमें एक और आगे की चीज की बात करते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एंड देन दे फॉलो अ प्लूरल वर्ब। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, एक और कॉन्सेप्ट ये आता है कि मैंने आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं, आपको ऑप्शंस दिए हैं, कहां हैज आएगा, कहां हैव आएगा, बताइए कहां पर हैज लगाऊं और कहां पर हैव लगाऊं, टेल मी। देखो हमेशा याद रखना, जब ये जो सब्जेक्ट है इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, कोई भी ए, एन या फिर द नहीं लगे, तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों एक ही इंसान है, मेरा फ्रेंड है और यही फिलोसोफर भी है। अगर सेकंड सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो दोनों एक ही इंसान है। एक ही इंसान है तो मतलब क्या आएगा, हैज कम। माई फ्रेंड एंड फिलोसोफर हैज कम।
लेकिन अगर सेकेंड सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल लग गया, ए लग गया, एन लग गया या दा लग गया, इसका मीनिंग होता है कि वो दो अलग अलग लोग हैं। दो अलग अलग लोग हैं, दो लोग हो गए तो यहाँ पे क्या आएगा? हैव। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे इसमें बताइए कहां पर इज आएगा और कहां पर आर आएगा। टेल मी, अ रेड एंड ब्लू बॉल डैश्ड देयर इन माय पर्स। फर्स्ट सेंटेंस को देखो, ड्राइंग से भी समझ में आ जाएगा, यहां पर आर्टिकल नहीं लगा हुआ था, यहां पे आर्टिकल नहीं लगा हुआ था। इसका मतलब बॉल एक ही है, वही रेड भी है और वही ब्लू भी है। यहां पे आर्टिकल नहीं लगा हुआ था, इसका मतलब है बॉल एक ही थी, वही रेड थी, वही ब्लू थी, तो यहां पे क्या आया? इज आया। दूसरे को देखो, यहां पे आर्टिकल अ लग गया, आर्टिकल अ लग गया मतलब दो अलग अलग बॉल्स हो गई, एक बॉल रेड हो गई और एक बॉल ब्लू हो गई, तो क्या आया? अ रेड एंड अ ब्लू बॉल आर देयर इन माय पर्स, मेरे पर्स में है। तो बात क्या हुई? बात यह हुई बेटा कि अगर सेकेंड सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल लगा हुआ है तो वो दो अलग अलग चीजों को दर्शाएंगे, और अगर सेकेंड सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल नहीं लगा हुआ है तो वो एक ही चीज के दो पार्ट्स होंगे, या वो एक ही इंसान होगा जिसके अंदर दो क्वालिटीज होंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर एवरीवन? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर वन। एक बार रिवाइज करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर वन को। दो चीजें पढ़ी हमने इस कॉन्सेप्ट नंबर वन में। पहली चीज हमने पढ़ी कि अगर दो सब्जेक्ट्स एंड वर्ड से कनेक्टेड हैं तो उनके आगे प्लूरल वर्ब आएगी, अगर वो दोनों चीजें एक ही चीज को दर्शा रही हैं तो वर्ब सिंगुलर होंगी। दूसरी चीज, अगर सेकेंड सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब वो दो अलग अलग लोग हैं, और अगर सेकेंड सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब वो एक ही इंसान को शो कर रहे हैं। क्लियर? चलिए कॉन्सेप्ट नंबर टू पे आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर टू कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट्स, वेन एवर टू सब्जेक्ट्स किससे कनेक्टेड है? और से कनेक्टेड है। और का मतलब क्या होता है? या ईदर और से कनेक्टेड है, मतलब या तो ये या फिर वो। नीदर नॉर से कनेक्टेड है, ना ही ये और ना ही वो। नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्टेड है, मतलब ना केवल ये बल्कि वो भी। शायद मैंने बल्कि गलत लिखा है ना? कैसे लिखते हैं बल्कि? मैं लिखना भूल गई, आप लोग बता दो मुझे एक बार, हाउ टू राइट बल्कि। आई थिंक राइट दिस, पता नहीं, शायद बल्कि वो भी। तो समझ गए होंगे आप मेरी भावनाओं को, समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ नॉट ओनली बट ऑल्सो को समझा के। नॉट ओनली बट ऑल्सो मीन्स ना केवल ये बल्कि वो भी। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में जो वर्ब होती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। वर्ब किसके हिसाब से आती है? जो सबसे पास वाला सब्जेक्ट होता है, जो सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उससे आती है। हाँ, सही बोला, कुछ तो घोटाला इसमें लग रहा था। कैसे बनेगा ये? बल्कि ऐसे, है ना? हाँ, तो इस केस में जो वर्ब होती है वो हम नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं। किस चार केसेस में? और, ईदर और, नीदर नॉर एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो। एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए मैंने आप लोगों को, मुझे आंसर्स बताइए। नॉट ओनली द टीचर बट द स्टूडेंट। नॉट ओनली बट ऑल्सो वर्ब किसके हिसाब से आएगी? नियरेस्ट सब्जेक्ट मीन्स द स्टूडेंट, मीन्स क्या आएगा? इस। ईदर राम और हिज फ्रेंड्स वर्ब किसके हिसाब से आएगी? फ्रेंड्स प्लूरल है, क्या आएगा? तो जब भी वर्ड्स नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्टेड हो, ईदर और से कनेक्टेड हो, और से कनेक्टेड हो, तो वर्ब जो होती है वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, सबसे पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। वी यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं जिससे कि आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाए। ईदर द बियर्स और द लायन, वर्ब किसके हिसाब से आई? लायन के हिसाब से। तो इसलिए क्या यूज किया? सिंगुलर वर्ब यूज करी, हैज का इस्तेमाल किया। नीदर द लायन नॉर द बियर्स, वर्ब किसके हिसाब से आई?
नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, बीयर्स के हिसाब से, इसलिए प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया. नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल. वर्ब किसके हिसाब से आई? नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, प्रिंसिपल, इसलिए किसका इस्तेमाल किया? राइट, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया, दैट इज यस. एक बार देख लो इन एग्जाम्पल्स को, कोई डाउट हो तो पूछ लो. लुक एट दीज एग्जाम्पल्स एंड इफ एनी डाउट परसिस्ट प्लीज आस्क मी. चलो समझ आया? ओके आगे बढ़ते हैं. नॉट ओनली डॉग्स बट ऑल्सो कैट्स किसके हिसाब से आएगा? कैट्स के हिसाब से. क्या आया? नियरेस्ट सब्जेक्ट, दैट इज आर. लेट्स मूव टू द कॉन्सेप्ट नंबर थ्री ना. सो कॉन्सेप्ट नंबर टू हमने पढ़ लिया, देखो अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर थ्री पे. कॉन्सेप्ट नंबर थ्री कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट्स इनमें से किसी भी वर्ड से कनेक्टेड है, अगर दो सब्जेक्ट्स इन में से किसी भी वर्ड से कनेक्टेड है एज वेल एज का मतलब के साथ, अलोंग विद का मतलब भी के साथ, विद का मतलब भी के साथ, नॉट और अनलाइक का मतलब के जैसा नहीं, या फिर नॉट का मतलब नहीं, टुगेदर विद इन एडिशन ऑन इट मींस के साथ, इन एडिशन टू इट, इसको टू कर लेना. तो जब भी दो सब्जेक्ट्स इन वर्ड से कनेक्टेड है जिनका मीनिंग है के साथ या फिर उसके जैसा नहीं या फिर वो नहीं, तो जो वर्ब होती है वो किसके हिसाब से आती है? राइट, वर्ब जो होती है वो हमारी हमेशा और हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है. तो इन वर्ड्स के केस में वर्ब इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. पिछले वालों के केस में सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से थी, बल्कि इन वालों के केस में फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है. तीन क्वेश्चंस दे रखे हैं, टेल मी द आंसर्स. सभी लोग बताएंगे इज आएगा आर आएगा, कहां पर इज आएगा कहां पर आर आएगा? एवरीवन प्लीज टेल मी. राम अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, अलोंग विद लगाए भाई, वर्ब किसके हिसाब से आएगी? राम के हिसाब से आएगी, तो इज आएगा. द चाइल्ड अनलाइक हिज ब्रदर्स, अनलाइक लगा हुआ है भाई, वर्ब किसके हिसाब से आएगी? चाइल्ड के हिसाब से. जो बच्चा है अपने ब्रदर्स के जैसा नहीं है, वो डिसेंट है बच्चा. द प्रिंसिपल अकंपनीड बाय द टीचर, अकंपनीड बाय का मतलब भी क्या होता है? के साथ. तो प्रिंसिपल टीचर के साथ क्लास में जा रहा है, किसके हिसाब से आएगी? प्रिंसिपल के हिसाब से. प्रिंसिपल क्या है? सिंगुलर है, तो क्या आएगा? इज एंटरिंग द क्लास. तो जब भी वर्ड का मीनिंग के साथ हो या फिर उसके जैसा नहीं हो, अनलाइक हो, एज वेल एज हो, अलोंग विद हो, वर्ब जो होती है वो हमेशा और हमेशा हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है. कुछ एग्जांपल्स और करते हैं. द चाइल्ड नॉट हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स नहीं बच्चा गिल्टी है, बच्चे ने गलत काम किया है, वर्ब किसके हिसाब से आएगी? द चाइल्ड के हिसाब से, मतलब क्या आएगी? इज गिल्टी, बच्चा गुनहगार है, पेरेंट्स गुनहगार नहीं है. तो जब भी दो सब्जेक्ट्स इन वर्ड से कनेक्टेड हो, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, सारे के सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो जो वर्ब होती है वो हमेशा और हमेशा किसके हिसाब से आती है? द वर्ब इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. वर्ब हमारी हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है. जॉन एज वेल एज मैरी, एज वेल एज लगा हुआ है, वर्ब किसके हिसाब से आएगी? जॉन के हिसाब से आएगी, इसका मतलब क्या है? सिंगुलर. वॉन्ट के साथ क्या आएगा? एस और यस आएगा. राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स किसके हिसाब से आएगी? राम के हिसाब से आएगी, इसलिए सिंगुलर वर्ब आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस आया. द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स, पब्लिशर के हिसाब से आएगी, इसलिए क्या आया? हैज आया. द क्लब मेंबर्स अलोंग विद हिज ओनर किसके हिसाब से आएगी?
क्लब मेंबर्स के हिसाब से आएगी, इसलिए यहाँ पे वॉज क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है। सही क्या होगा लास्ट वाले का? लास्ट वाले का सही क्या होगा? वर अरेस्टेड। क्यों? क्योंकि वर्ब जो है वो क्लब मेंबर्स के हिसाब से आएगी, और जो क्लब मेंबर्स है वो हमारा प्लूरल है। ही एंड नॉट हिज फ्रेंड्स गलत हो गया भाई, ही के हिसाब से आएगी, ही के हिसाब से आर तो नहीं आ सकता, क्या आएगा ही के हिसाब से? इज। तो वो उसके फ्रेंड्स नहीं गुनहगार पाए गए, वो गुनहगार पाया गया। समझ में आया कॉन्सेप्ट नंबर 3 सभी को? कुछ और एग्जांपल्स कॉन्सेप्ट नंबर 3 के। क्यों इतने सारे एग्जांपल्स करवा रही हूँ? कि आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट सेंटर कर जाए, रात को सोते समय कोई पूछे तब भी आपको आंसर पता हो। इसलिए बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ करवा रही हूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है आपको याद करवाना। कैलिफोर्निया अलॉन्ग विद फ्लोरिडा, अलॉन्ग विद लगा हुआ है, कैलिफोर्निया के हिसाब से वर्ब आएगी, इज आएगा। द टीचर्स अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल, अलॉन्ग विद लिखा हुआ है, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगी, इसलिए क्या आएगा? आर आएगा। सो दिस वॉज कॉन्सेप्ट नंबर 3। रेडी फॉर कॉन्सेप्ट नंबर 4? चलिए, सो कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 कहता है कि ये जो चार शब्द हैं, कौन से चार शब्द? ईच, एवरी, ईदर और नीदर। ईच मतलब हर कोई, एवरी मीन्स प्रत्येक, ईदर मतलब दो में से एक, और नीदर मतलब दो में से कोई भी नहीं। इन सभी के साथ जो आप वर्ब यूज करते हो वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर होती है। वी ऑलवेज यूज अ सिंगुलर वर्ब विद दीज वर्ड्स। कुछ भी हो जाए, धरती आसमान एक ही क्यों ना हो जाए, बट इनके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब आप नहीं लगा सकते हो। आपको हमेशा और हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स और मुझे आंसर बताइए कौन कौन सी वर्ब कहाँ कहाँ आएगी। ईच स्टूडेंट, ईच लगा हुआ हैज टू वर्क हार्ड। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच लगा हुआ हैज टू वर्क हार्ड। एवरीवन इज बॉर्न टैलेंटेड, हर कोई टैलेंटेड पैदा होता है। तो जब भी ईच, एवरी, ईदर या नीदर में से कुछ भी लगा हो तो वर्ब जो आती है वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर होती है, कभी भी हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। ईदर ऑफ द टू बॉयज इज गिल्टी, उन दोनों में से कोई एक लड़का है जो गुनहगार है। ईच मैन एंड ईच वुमेन, जब भी ईच और एंड का कॉम्पिटिशन हो, ईच भी लगा हो और एंड भी लगा हो, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। दोनों के साथ ईच लगा है और एंड भी लगा है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। ईच मैन एंड ईच वुमेन हैज टू डाई वन डे, हर मैन और हर वुमेन को एक ना एक दिन तो मरना ही है। तो इन सभी केसेस में वर्ब कैसी आई? इन सभी केसेस में वर्ब सिंगुलर आई। तो जब भी ईच, एवरी, ईदर और नीदर लगा हुआ होता है तो जो वर्ब हम लगाते हैं वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर लगाते हैं, हम कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं लगाते। अब एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल देखेंगे। ईच गर्ल एंड बॉय इन माई क्लास, हर लड़का और हर लड़की मेरी क्लास में बहुत टैलेंटेड है। और ये बात मैं बहुत दिल से बोल रही हूँ कि आप सभी लोग बहुत टैलेंटेड हैं। क्या लगाऊं, इज लगाऊं या आर लगाऊं? वेरी गुड, इज आएगा, क्योंकि ईच। अब ईच और एंड का कंपटीशन होता है तो ईच जीत जाता है। एंड कहता है प्लूरल लगाओ, ईच कहता है सिंगुलर लगाओ, तो जब भी ईच और एंड का कंपटीशन होगा जीतेगा कौन? जीतेगा हमेशा ईच। इसलिए हमने यहाँ पे कैसी वर्ब लगाई? सिंगुलर वर्ब लगाई। अब एक बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल देखिएगा, इसमें बताओ मुझे क्या आएगा? इस सेंटेंस में क्या लगाऊंगी? बड़ा कंफ्यूजिंग सेंटेंस है। इज लगाऊं या आर लगाऊं? राम के फ्रेंड्स और साथ के साथ हर बच्चा बहुत टैलेंटेड है। अब देखो बात यहां पे ईच के पास पहुंचेगी नहीं। कैसे ईच के पास नहीं पहुंचेगी? यहां पे एज वेल एज लगा हुआ है।
जब एज वेल एज लगाते हैं तो कॉन्सेप्ट कहता है कि फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है. जब भी एज वेल एज लगता है कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी. फर्स्ट सब्जेक्ट तो प्लूरल है, ईच तक तो मामला पहुंचा ही नहीं. यहां कुछ भी होता, ईच एवरी वन टू थ्री कुछ भी होता, यहां तक मामला पहुंचता ही नहीं. क्यों? क्योंकि एज वेल एज ने क्लियरली बोल रखा है कि अगर मैं आ गया तो मुझसे पहले वाले को ही इज्जत दी जाएगी. तो राम्स फ्रेंड्स के हिसाब से वर्ब आएगी, मतलब क्या आएगा, यहां पे आर आएगा, यहां पर इज नहीं आएगा. इसी को मैंने ऑपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया. अब मुझे बताओ यहां पे क्या आएगा. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज राम डैश वेरी टैलेंटेड. एज वेल एज लगा हुआ है, एज वेल एज लगा हुआ होता है तो क्या कहा जाता है, एज वेल एज लगा हुआ होता है तो कहा जाता है वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच आ गया, अब ईच तक बात पहुंच चुकी है, ईच तक मामला पहुंच चुका है, ईच के पास मामला पहुंच गया तो मतलब सिंगुलर ही आना है. तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे इज वेरी टैलेंटेड आएगा, यहां पे आर वेरी टैलेंटेड नहीं आएगा. समझ आया कॉन्सेप्ट सभी को, ईच और एवरी वाला. अब कुछ बातें आती हैं कि मैम ईच और एवरी तो समझ में आया, लेकिन ये ईच और एवरी के बीच का गोलमाल क्या है, ईच और एवरी में फर्क क्या है, वो भी समझा दो. तो सबसे पहला फर्क तो बेटा ये है ईच और एवरी के बीच में कि जो ईच होता है ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का रूल नंबर 1 भी है, ये प्रोनाउन भी होता है और ये जो वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव भी होता है. ये दोनों रोल्स प्ले करता है. इसको आप प्रोनाउन की तरह भी यूज कर सकते हो और इसको आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो. ईच बॉय भी सही होता है, यहां पे ये एडजेक्टिव है, और ईच ऑफ द बॉयज भी सही होता है, दोनों सही होते हैं. लेकिन ये जो एवरी वाला शब्द है ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है, ये प्रोनाउन नहीं होता है. इसका मतलब एवरी बॉय तो सही होता है लेकिन एवरी ऑफ द बॉयज गलत होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है, बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर. तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ईच बॉय भी सही है, ईच ऑफ द बॉयज भी सही है, एवरी बॉय सही है, बट एवरी ऑफ द बॉयज गलत है. अगर आपको इसको सही करना है तो एवरी के आगे वन लगा दो, एवरी वन ऑफ द बॉयज, अब ये आपका सही हो जाएगा. चारों कॉन्सेप्ट्स क्लियर सभी को, ऑल फोर कॉन्सेप्ट्स. चले अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे. कॉन्सेप्ट नंबर 5 अगेन बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसको कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से समझेंगे. तो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ सर्टेन सेंटेंसेस. ये कॉन्सेप्ट है हु विच और दैट का. Who, which or that क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट भी करते हैं और किसी नाउन को दर्शाते भी हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं, मैंने सेंटेंस दिया आपको, मुझे बताना यहाँ पे इज लगाऊं या आर लगाऊं. लुक एट दिस सेंटेंस एंड टेल मी, शी इज वन ऑफ द वुमेन हु डैश वर्किंग वेरी हार्ड. इस सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा, वो उन विमेन में से एक है जो विमेन बहुत मेहनत कर रही है, जो विमेन बहुत मेहनत कर रही है वो उन विमेन में से एक है. तो मेहनत कौन कर रही है, बहुत सारी विमेन है जो मेहनत कर रही है, बहुत सारी विमेन है जो मेहनत कर रही है. इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, यहां पे हमारा आर आएगा. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कहता है, समझा देती हूं. जब भी वन ऑफ द लगा हुआ, क्या लगा हुआ हो बेटा, वन ऑफ द लगा हुआ हो, सबसे पहले तो ये बात याद रखो कि इसके आगे हमेशा प्लूरल नाउन आता है. वन ऑफ द, ईच ऑफ द, एवरी वन ऑफ द, इन सब के आगे नाउन कैसा आता है, प्लूरल, क्योंकि बहुत सारों में से एक इंसान की बात कर रहे हो तो बहुत सारे होंगे वो. इसलिए वन ऑफ द के आगे नाउन कैसा आता है, वन ऑफ द के आगे वी ऑलवेज यूज अ प्लूरल नाउन. इसके आगे अगर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ हो, हु लगा हुआ हो, विच लगा हुआ हो या दैट लगा हुआ हो,
इसके आगे कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ हो, इसका मतलब है ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो इस प्लूरल नाउन के बारे में बात कर रहा है। इस प्लूरल नाउन के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब इसके आगे जो वर्ब आएगी वो हमेशा कैसी आएगी? इसके आगे जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल वर्ब होगी, कभी भी सिंगुलर नहीं होगी। सो शी इज वन ऑफ द वुमेन, बहुत सारी वुमेन है जो बहुत मेहनत कर रही हैं, उन वुमेन में से वो एक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आया? इसीलिए यहाँ पे आर आया। कोई दिक्कत किसी को? अगर ये समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे आराम से दे सकते हो। मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, हेल्प आएगा या हेल्प्स आएगा? राम इज वन ऑफ द गॉड्स, वन ऑफ द प्लूरल नाउन, हु विच और दैट में से एक आ गया, इसका मतलब वर्ब कैसी आएगी यहाँ पे? राइट, इसका मतलब यहाँ पे एक प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब का मतलब क्या है? वर्ब में एस और ईएस नहीं आएगा। सो दैट हेल्प एवरीवन, बहुत सारे भगवान है जो मदद करते हैं, राम उनमें से एक है। तो राम इज वन ऑफ द गॉड्स दैट हेल्प एवरीवन, हेल्प्स नहीं आएगा। तो जब भी वन ऑफ द लगा हुआ होता है, उसके आगे प्लूरल नाउन लगा हुआ होता है, उसके आगे हु विच और दैट लगा हुआ होता है, तो जो वर्ब आती है वो हमेशा और हमेशा प्लूरल होती है। वर्ब कभी भी सिंगुलर नहीं होती है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, मुझे आंसर बताइए इन दोनों क्वेश्चंस के। एवरीवन, दिस इज वन ऑफ द बुक्स विच, वन ऑफ द लगा हुआ है, बुक्स लगा हुआ है, प्लूरल नाउन है, हु विच और दैट में से एक लगा हुआ है, तो यहां पे क्या आएगा? विच आर इंटरेस्टिंग, बहुत सारी किताबें हैं जो इंटरेस्टिंग हैं, उन बहुत सारी किताबों में से ये एक किताब है। शी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल, थोड़े से लोग हैं जिनको सब, जिनकी सब तारीफ करते हैं, उन थोड़े से लोगों में से वो एक है। तो फ्यू पीपल लगा हुआ है, वन ऑफ द फ्यू पीपल लगा हुआ है, हु लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा? हु आर एडमायर्ड बाय एवरीवन, जिनकी हर कोई तारीफ करता है। समझ में आ रहा है सभी को? चलो अब बात करते हैं, अगर हु विच और दैट नहीं दे रखा हो तो, अगर आपको हु विच और दैट नहीं दे रखा, सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा है? वन ऑफ द दिया हुआ है या वन ऑफ कुछ दिया हुआ है, इसके आगे प्लूरल नाउन है लेकिन हु विच और दैट नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में जो वर्ब आता है वो कैसा आता है? उस केस में जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है। सो वन ऑफ अवर सिस्टर्स, उसकी बहुत सारी सिस्टर्स हैं, उनमें से एक सिस्टर डॉक्टर है, ये जो एक है ये डॉक्टर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा। उसकी बहुत सारी बहनें हैं, उन बहनों में से एक बहन क्या है? एक बहन डॉक्टर है। वन ऑफ अ ड्रीम्स, उसका एक सपना है बहुत सारे सपनों में से कि मैं एक डॉक्टर बन जाऊं, तो वन ऑफ हर ड्रीम्स इज टू बिकम अ डॉक्टर। उसका एक ड्रीम क्या है बहुत सारे ड्रीम्स में से? कि वो एक डॉक्टर बन जाए। तो जब हु विच और दैट नहीं लगा हुआ है आप इज लगाओगे, हु विच और दैट लगा हुआ है आप प्लूरल वर्ब लगाओगे। तो सिंपल सी बात है, जो भी हमने पढ़ा, अगर वन ऑफ द लगा हुआ है नाउन तो दोनों के आगे प्लूरल ही आएगा, अगर बीच में हु विच और दैट मिल जाता है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, और अगर हु विच और दैट नहीं मिलता है तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। एक और इसमें एक स्पेशल केस आता है, वो आपको बता देती हूँ। अगर इस वन ऑफ द के आगे ओनली लगा हुआ है, अगर इस वन ऑफ द के आगे ओनली लगा हुआ है तो हमेशा सिंगुलर ही आएगा, कभी भी प्लूरल नहीं आएगा, चाहे हु विच और दैट लगा हो, चाहे हु विच और दैट नहीं लगा हुआ हो, वर्ब हमेशा कैसी आएगी? वर्ब विल ऑलवेज बी सिंगुलर, कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ओनली वन का मीनिंग होता है इकलौता, सिर्फ एक ही है। ओनली वन का मीनिंग क्या होता है? इकलौता, सिर्फ एक ही है भाई, सिर्फ एक ही है, तो वर्ब को तो सिंगुलर होना ही होना पड़ेगा, वर्ब कभी भी प्लूरल नहीं हो सकती है। क्लियर कॉन्सेप्ट नंबर 5 सभी को? एवरीवन, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। दिस इज ओनली वन ऑफ द बुक रिटन बाय हिम विच डैश इंटरेस्टिंग,
ओनली वन लिखा हुआ है भाई, तो सिंगुलर ही आएगा, विच इज इंटरेस्टिंग. ओनली वन के केस में कभी भी प्लूरल नहीं आता है. कुछ क्वेश्चंस बताओ, क्या लगाऊं, इज लगाऊं, आर लगाऊं? लेट्स सी कितने लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया. वन ऑफ अ डिजायर्स इज टू गेट अ जॉब इन SBI. उसका एक डिजायर क्या है कि भाई SBI में जॉब लग जाए. नेक्स्ट, तो वन ऑफ द क्या आगे प्लूरल नाउन होगा, तो प्लूरल वर्ब आएगी. अभी हमने पढ़ा, देयर आर मेनी बर्ड्स ऑन द ट्री, वन ऑफ द बर्ड्स, हु विच ऑफ दैट नहीं लगा हुआ, तो सिंगुलर लगाया है इज. अगर हु विच ऑफ दैट लगा हुआ होता है तो क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं. अगर हु विच ऑफ दैट लगा हुआ होता है तो वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है. उसी चीज के और एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया. अगर ओनली वन ऑफ द लगा होता है तो जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर आती है. यहां पे हैज आया और यहां पे इज आया. तो तीन पार्ट्स थे इसके. तीनों पार्ट्स क्या क्या थे कि इनमें से कुछ भी लगा हुआ होता है तो जो नाउन होगा वो तो हमेशा प्लूरल आएगा, लेकिन अगर हु विच और दैट लगा होगा तो वर्ब प्लूरल आएगी, और अगर हु विच और दैट नहीं लगा होगा तो जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी, और अगर ओनली वन ऑफ द लिखा होगा तो वर्ब जो है हमेशा और हमेशा सिंगुलर आएगी. सिर्फ और सिर्फ यही तीन कॉन्सेप्ट्स थे इस पूरे कॉन्सेप्ट नंबर 5 के अंदर. कितने लोगों को समझ में आ गए अभी तक जो हमने पांचों कॉन्सेप्ट्स पढ़े, कितने लोगों को समझ में आ गए? प्लीज से यस इफ यू हैव अंडरस्टूड इट. चलो आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 की तरफ. कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर 6 का को समझाने से पहले पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझे इन चारों क्वेश्चंस का आंसर दो. कहां पर इज लगाऊं और कहां पर आर लगाऊं? आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू आंसर इट. इज कहां पर आएगा और आर कहां पर आएगा? वन थर्ड ऑफ पीपल आर किल्ड, आर किल्ड, इज डिस्ट्रॉयड, इज डिस्ट्रॉयड. कितने लोगों के सही निकले आंसर्स? इतने सारे लोग गलत निकल गए. ओ माय गॉड. देखो मुझे एक बात बताओ, पीपल सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है. प्लूरल का वन थर्ड भी कैसा होगा? एक तिहाई हिस्सा, 33.33%. प्लूरल होगा. प्लूरल होगा मतलब क्या आएगा? आर आएगा. दो तिहाई हिस्सा भी प्लूरल होगा, क्या आएगा? आर आएगा. शहर क्या है? सिंगुलर है. उसका एक तिहाई हिस्सा क्या होगा? सिंगुलर होगा. इज आएगा. दो तिहाई हिस्सा कैसा होगा? सिंगुलर होगा. इज आएगा. तो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम किसी फ्रैक्शन की बात करते हैं या जब भी हम किसी भी परसेंटेज की बात करते हैं, क्या जब भी हमने किसी फ्रैक्शन की बात की या जब भी हमने किसी परसेंटेज की बात की, जो वर्ब होती है वो पूरे के हिसाब से आती है, फ्रैक्शन के हिसाब से नहीं आती, परसेंटेज के हिसाब से नहीं आती. वर्ब आती है जिस चीज का वो फ्रैक्शन है, जिस चीज का वो हिस्सा है, उसके हिसाब से वर्ब आती है. तो ये पीपल क्या है? प्लूरल है. तो क्या आया? आर आया. पीपल क्या है? प्लूरल है. क्या आया? आर आया. सिटी क्या है? सिंगुलर है. इज आया. सिटी क्या है? सिंगुलर है. इज आया. तो जब भी हम किसी फ्रैक्शन की बात करते हैं या जब भी हम किसी परसेंटेज की बात करते हैं तो जो वर्ब होती है वो हमेशा और हमेशा किसके हिसाब से आती है? हमेशा होल के हिसाब से आती है, जिसका वो हिस्सा है उसके हिसाब से आती है. तो इन केस ऑफ फ्रैक्शन और परसेंटेज, वर्ब अग्रीज विद द होल नॉट विद द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन के हिसाब से नहीं, जिस चीज का वो हिस्सा है उसके हिसाब से आती है. कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्लियर सभी को? आई होप यस.
थिंक ये ना बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। हाँ, तो जब भी हम बात करेंगे किसी भी फ्रैक्शन की, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 33% ऑफ, 33% ऑफ द केक डैश ईटन, क्या लगाऊं, इज लगाऊं, आर्क लगाऊं, 33% जो है केक का वो खा लिया गया है। 33% के हिसाब से नहीं आएगी वर्ब, वर्ब आएगी केक के हिसाब से। तो केक क्या है, सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इसीलिए यहाँ पे इज आएगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा। तो जब भी किसी परसेंटेज की बात करोगे, फ्रैक्शन की बात करोगे, वर्ब हमेशा होल के हिसाब से लगाओगे। कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्लियर सभी को? चलिए अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 7 के लिए ये क्वेश्चंस हैं, आंसर कीजिए इन क्वेश्चंस का एवरीवन, लेट्स सी कितने लोगों का आंसर सही होगा। पुलिस डैश इन्वेस्टिगेटिंग द केस, पहले तो मुझे स्कोर बताना, मैं आंसर्स लिख रही हूं। व्हाट आर योर स्कोर्स इन दिस? देखो सबसे पहली चीज तो जो पुलिस वर्ड है, पुलिस जो होता है वो एक प्लूरल नाउन होता है। पुलिस कैसा नाउन होता है? पुलिस इज अ प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन के आगे तो प्लूरल वर्ब ही आता है, कभी सिंगुलर आ ही नहीं सकता। तो पुलिस के आगे तो कभी भी सिंगुलर नहीं आ सकता, पुलिस इज अ प्लूरल वर्ड, प्लूरल वर्ड के आगे हमेशा प्लूरल नाउन ही आएगा, तो पुलिस के आगे हमेशा आ आएगा। अब बात करते हैं बाकी शब्दों की। ये जो आर्मी है, ये जो ऑडियंस है, ये जो जूरी है, जूरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस, जजेस के ग्रुप को जूरी बोलते हैं। ये तीनों के तीनों वर्ड्स हमारे क्या है, ये तीनों के तीनों वर्ड्स हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। कलेक्टिव नाउन के केस में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कलेक्टिव नाउन की यूनिट्स, कलेक्टिव नाउन के अंदर जितने भी लोग हैं सब एक ही चीज पे काम कर रहे हैं, अगर कलेक्टिव नाउन की यूनिट्स जितने भी लोग हैं अंदर वो एक ही चीज पे काम कर रहे हैं, तो जो वर्ब होते हैं वो सिंगुलर आते हैं। अगर वो लोग अलग अलग चीजों पे काम कर रहे हैं तो जो वर्ब होते हैं वो प्लूरल आती है। तो ये जो आदमी है सब एक ही काम कर रहे हैं, हिमालयस की तरफ आगे बढ़ रही है, सारी की सारी आर्मी एक ही हिमालयस है उनकी तरफ आगे बढ़ रही है, वर्ब कैसी आई, सिंगुलर आई। ये जो ऑडियंस है ये सीट पे बैठ रही है, तो मुझे बताओ एक ही सीट पे सब बैठ जाएंगे या सब अलग अलग सीट पे बैठेंगे? ये जो ऑडियंस है ये सीट पे बैठ रही है, तो एक ही सीट पे सब लोग बैठ जाएंगे या अलग अलग सीट पे बैठेंगे? सिंपल सी बात है, अलग अलग सीट चीज पे बैठेंगे, मतलब इस कलेक्टिव नाउन की जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग चीज पे टास्क कर रही है, इसलिए क्या लगाया, आर लगाया, दैट इज प्लूरल वर्ब लगाई। जूरी की सोच अलग अलग है, डिवाइडेड इन द ओपिनियन का मतलब क्या है, उनकी सोच अलग अलग है, सोच अलग अलग है, इसका मतलब वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, आर आएगा। अच्छा एक चीज, अगर मैं इस डिवाइडेड को यूनानिमस लिख देती हूँ, यूनानिमस वर्ड का मीनिंग होता है एक सोच होना, अगर मैं इस डिवाइडेड की जगह यूनानिमस लिख दूंगी, यूनानिमस का मतलब है एक सोच होना, तो यहां पे क्या आएगा, इज आएगा। मैंने बोला सबकी सोच सेम है, द जूरी इज यूनानिमस, सबकी सोच सेम है तो इज लगाया, सबकी सोच अलग अलग है तो आर लगाया। तो जब भी हम कलेक्टिव नाउन्स की बात करते हैं हम किसके हिसाब से लगाते हैं, हम लगाते हैं कि वो जो कलेक्टिव नाउन की यूनिट्स हैं एक ही चीज पे काम कर रही है या वो अलग अलग चीज पे काम कर रही है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जो भी मैंने बोला कि अगर वो एक ही चीज पे काम कर रहे हैं तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। फॉर एग्जाम्पल ज्यूरी डैश टेकिंग द डिसीजन, बताओ क्या लगाऊं, ज्यूरी जो है जजेस डिसीजन ले रहे हैं, एक ही डिसीजन है जो सब ले रहे हैं, क्या आया, इज आया। द ऑडियंस वॉचिंग द मूवी, एक ही मूवी है जो सारे के सारे ऑडियंस वॉच कर रही है, एक ही मूवी है जो सारे की सारी ऑडियंस वॉच कर रही है, तो क्या आया, इज द ऑडियंस इज वॉचिंग द मूवी। तो अगर एक ही चीज पे काम कर रहे हैं तो जो वर्ब आई वो कैसी आई, सिंगुलर आई। अगर अलग अलग चीज पे काम कर रहे हैं तो वर्ब कैसी आएगी, तो जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट थिंग्स पे काम कर रहे हैं तो प्लूरल, द ऑडियंस टेकिंग द सीट्स, सब अलग अलग सीट लेंगे, क्या आया, आर।
द टीम डैश चेंजिंग यूनिफॉर्म, सबकी यूनिफॉर्म अलग अलग होगी, सब चेंज कर रहे हैं, क्या आया? तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर 6 कहता है कि अगर सब लोग अलग अलग चीजों पे काम करेंगे तो आप एक प्लूरल वर्ब लगाओगे, और अगर सब लोग एक ही चीज पे काम करेंगे तो आप एक सिंगुलर वर्ब लगाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर सभी को? आई होप यस। तो अगर सेम चीज पे काम कर रहे हैं तो सेम आएगा, अगर अलग अलग चीज पे काम कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी। सेम एग्जाम्पल्स, वही चीज, डिवाइडेड है तो आर, ड्रेस चेंज कर रहे हैं तो आर, सीट ले रहे हैं तो आर, और अगर सेम काम कर रहे हैं तो इस। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जहां पे आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो, इसको बहुत स्टार मार्क करके लिखिएगा सभी लोग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ये जितने भी मैंने वर्ड्स लिखे हैं ना बेटा, ये कलेक्टिव नाउन्स नहीं होते। यहाँ पे ये जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं ये सारे के सारे वर्ड्स प्लूरल है। क्या है ये? प्लूरल। इसका मतलब है इन सभी शब्दों के आगे हमेशा आप क्या इस्तेमाल करोगे? इन सभी शब्दों के आगे आप हमेशा और हमेशा एक प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करोगे। यू विल ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब विद देम, कभी भी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। मीनिंग्स बता देती हूँ। पुलिस का मीनिंग सभी को पता है, पुलिस आई, पुलिस आई, बचपन में बहुत करते थे ना, हॉर्न बजता था, मैम पुलिस। प्लूरल। वर्मिन, ये एक ऑर्गेनिज्म होता है जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, फसल को उजाड़ देता है, उसको वर्मिन बोलते हैं। कैटल सभी को पता है। क्लर्जी, ग्रुप ऑफ पीपल, हाई क्लास पीपल को क्लर्जी बोलते हैं। जेंट्री, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का क्राउड कैसा है। पोल्ट्री, आपके हैन हो गए। फोक, लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पीजेंट्री, सारे फार्मर्स से रिलेटेड हो गया। पीपल सभी को पता ही है। इन्फेंट्री, वो लोग होते हैं, वो आर्मी के लोग या वो सोल्जर्स जो पैदल होते हैं उनको बोलते हैं इन्फेंट्री, और अगर वो सोल्जर्स घोड़े पर होते हैं तो उनको बोलते हैं कैवलरी। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे प्लूरल वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स के साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं आ सकती, इन सभी शब्दों के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। किसी को ये तो हमने कर ही लिया, तो प्लूरल नाउन्स के आगे क्या लगता है? हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है, कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं लगता है। तो वी विल ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब्स विद देम बिकॉज दे आर प्लूरल इन कैरेक्टर। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 8 की तरफ आते हैं। दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, फिर से मुझे बताओ कहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी और कहाँ प्लूरल वर्ब आएगी। एवरीवन प्लीज टेल मी। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड अदर बेवरेजेस। बेवरेजेस मीन्स ड्रिंक्स। तो टी, कॉफी और बेवरेजेस यूजफुल नहीं थी, उनका इंट्रोडक्शन यूजफुल था, उनका आना फायदेमंद था, उनका इंट्रोडक्शन फायदेमंद था। तो इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इस आएगा। चाय की बात नहीं हो रही है, कॉफी की बात नहीं हो रही है, बाकी ड्रिंक्स की, बेवरेजेस की बात नहीं हो रही, बात हो रही है उनके इंट्रोडक्शन की। तो वर्ब किसके हिसाब से आएगी? इंट्रोडक्शन के हिसाब से आएगी। द नॉलेज ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, बात सब्जेक्ट्स की नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है? नॉलेज की, कि इन सब्जेक्ट्स की जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्या आएगा? इज आएगा। तो मतलब कभी भी भावनाओं में नहीं बहना है जब क्वेश्चंस को करना है। जरूरी नहीं है कि वर्ब पास वाले के हिसाब से आए, जरूरी नहीं है कि वर्ब पास वाले के हिसाब से आए। हो सकता है जो पास हो वो अपना ना हो, जो दूर हो वही अपना हो। तो हमेशा चेक करना है कि आपको किससे फर्क पड़ता है, वो आपका अपना है। कौन आपके लिए खड़ा है मुश्किल के समय पर, वो आपका अपना है। तो इस वर्ब का अपना ये बेवरेजेस नहीं है, इस वर्ब का अपना कौन है? इंट्रोडक्शन। मेन सब्जेक्ट कौन है? मेन सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन है। तो हमेशा सेंटेंस में किसको ढूंढना है? हमेशा सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट को ढूंढना है, पास वाले के हिसाब से वर्ब को नहीं लगा देना है। पढ़ाते पढ़ाते मैं भावनाओं में बह गई हूँ, हमेशा आप लोग भावनाओं में बहते हो, आज मैं भी भावनाओं में बह गई, अपना अपना नहीं रहा। चलो तो वर्ब किसके हिसाब से लगाते हैं? वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं। तो दिस वॉज कॉन्सेप्ट नंबर 8। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज डैश नॉट गुड।
तो मैंगोज के हिसाब से वर्ब नहीं आएगी बेटा, वर्ब किसके हिसाब से आएगी? वर्ब आएगी क्वालिटी के हिसाब से। क्वालिटी क्या है? सिंगुलर है। तो यहाँ पे क्या आएगा? जो मैंगोज की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, दैट मीन्स इज नॉट गुड। समझ में आया कॉन्सेप्ट नंबर 8 सभी को, एवरीवन? चले लेट्स मूव टुवर्ड्स कॉन्सेप्ट नंबर 9 नाउ। कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, मुझे आंसर्स बताइए। क्या लगाऊं, कहां पर इज आएगा, कहां पर आर आएगा? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश 350, स्टूडेंट्स का नंबर क्या है? 350 है। इज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश वेटिंग आउटसाइड, बहुत सारे बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं। क्या आया? आर। द वेराइटी ऑफ प्रोडक्शन इज सफिशिएंट, वेराइटी अच्छी खासी है। अब वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको दिखाया गया, डिस्प्ले किया गया, आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था कि जब भी हम द नंबर ऑफ बोलते हैं, द नंबर ऑफ मीन्स एक संख्या, एक नंबर की बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात नहीं कर रहे। तो जब भी द नंबर ऑफ होता है, द वेराइटी ऑफ होता है, द मेजोरिटी ऑफ होता है, तो जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। द नंबर ऑफ, द वेराइटी ऑफ, वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। जब भी अ नंबर ऑफ होता है, अ वेराइटी ऑफ होता है, मतलब बहुत सारे लोग, तो जो हमारी वर्ब आती है वो कैसी आती है? उस केस में जो हमारी वर्ब आती है वो प्लूरल आती है। इसीलिए सेकेंड और फोर्थ सेंटेंस में हमारा प्लूरल आया और फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में हमारा सिंगुलर आया। तो द नंबर ऑफ के साथ, द वेराइटी ऑफ के साथ वर्ब कैसी आई? सिंगुलर आई। द नंबर ऑफ, द वेराइटी ऑफ के साथ वर्ब कैसी आई? सिंगुलर आई, जैसा कि मैंने बताया। और अगर यही, इसी को अगर हम आ कर देते, अगर यहाँ पे द की जगह आ कर देते तो वर्ब कैसी आती? तो उस केस में जो वर्ब होती वो हमारी प्लूरल होती। कॉन्सेप्ट नंबर 9 क्लियर सभी को? यस। कॉन्सेप्ट नंबर 10th पे आते हैं, सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 11 करेंगे और उसके बाद टेबल को फिल करेंगे। चलो कॉन्सेप्ट नंबर 10, टेल मी द आंसर्स एवरीवन। पहले आप लोग आंसर्स बताओ, फिर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगी आपको। वन स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड, मोर देन वन स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड, यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा। मैनी स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड, मैनी अ स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड। कितने लोगों के सारे सही हुए? ऑल करेक्ट। चलो ये वाला तो क्लियर था, एक बच्चे की बात हो रही है, वन स्टूडेंट, एक बच्चे की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है भाई, इज आएगा। ये भी क्लियर था, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, तो आर आएगा। ये भी क्लियर था, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, प्लूरल है भाई, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, आर आएगा। दिक्कत आई इन दोनों में, सेकेंड वाले में और फोर्थ वाले में। हमेशा याद रखना, यहाँ पे ना बड़ी विडंबना है, बड़ा डिलेमा है। मोर देन वन स्टूडेंट का मतलब मैम डेढ़ बच्चा तो होगा नहीं, सवा बच्चा तो होगा नहीं, मोर देन वन का तो मतलब टू ही होता है, मोर देन वन का मतलब टू होता है, तो यहाँ पे आर लगाना चाहिए था, यहाँ पे इस क्यों लगाया? तो फिर एक आवाज क्या आई, एक आवाज ये आई कि स्टूडेंट लिखा हुआ है भाई, स्टूडेंट के साथ आर कैसे लगा दें? तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो वर्ब आई वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आई। तो जब भी मोर देन वन लिखा हुआ हो या मैनी अ लिखा हुआ हो, मोर देन वन लिखा हुआ हो या मैनी अ लिखा हुआ हो, तो इनके आगे नाउन भी सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर ही आती है। तो यही है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 10th। तो कॉन्सेप्ट नंबर 10th क्या कहता है कि अगर मोर देन वन लिखा हुआ हो या मैनी अ लिखा हुआ हो, मतलब क्या आ गया, या तो वन आ गया या फिर आ गया। तो जब भी मोर देन वन लिखा हुआ हो या मैनी अ लिखा हुआ हो, तो जो नाउन होता है वो भी सिंगुलर आता है और जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर ही आती है। तो
तो दोनों ही केसेस में आप सिंगुलर ही इस्तेमाल करते हो. अ ग्रेट मैनी लिखा हो तो नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, बाकी सब के केस में क्या होता है, प्लूरल आता है. बट मोर देन वन के केस में और मैनिया के केस में जो वर्ब होती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है. दैट मीन्स नाउन भी सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर आती है. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पे. लेट्स लुक एट सर्टेन एग्जाम्पल्स. अ ग्रेट मैनी डिवोटीज, बहुत सारे डिवोटीज हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मंदिर बनाया जाए. क्या आया? डिवोटीज, प्लूरल था तो क्या लगाया हमने? आर लगाया. मैनी टाइगर्स, बहुत सारे टाइगर्स हैं जो मिसिंग हैं. मैनी लगा हुआ था, क्या लगाया? प्लूरल लगाया, आर लगाया. तो जब भी मोर देन वन होगा सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा. मैनी अ होगा सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा. अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी होगा तो प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब आएगा. इन दोनों क्वेश्चंस को आप देख सकते हो. मोर देन वन स्टूडेंट, मोर देन वन था तो दोनों ही सिंगुलर है कि बच्चा, एक से ज़्यादा बच्चा एबसेंट है. मैनी अ स्टूडेंट, अ लगा हुआ था तो ये भी सिंगुलर आया. इस कॉन्सेप्ट से ना बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं. मैनी क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट. तो ये कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पे होना चाहिए. वन लगा हुआ है, इज आया, अ ग्रेट मैनी, आर आया, मैनी लगा हुआ है, आर आया. तो दिस वॉज कॉन्सेप्ट नंबर 10th. क्लियर है सभी को कॉन्सेप्ट नंबर 10th? आखिरी कॉन्सेप्ट विच इज कॉन्सेप्ट नंबर 11 और उसके बाद हम बनाएंगे टेबल. कॉन्सेप्ट नंबर 11 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर 11 कहता है कि जब भी हम इन पांचों चीजों की बात करते हैं, स्पीड, डिस्टेंस, वेट, हाइट, अमाउंट, अगर इन पांचों चीजों की बात कर रहे हैं और इन पांचों चीजों को एज अ होल कंसिडर कर रहे हैं. कैसा कंसिडर कर रहे हैं? एज अ होल, एक पूरी एक चीज की तरह कंसिडर कर रहे हैं. तो इनके आगे जो वर्ब आती है, तो इन सभी के आगे जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है. अगर हम इन सभी को डिफरेंटली एज डिफरेंट यूनिट्स कंसिडर कर रहे हैं, अगर हम इन सभी को डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स की तरह कंसिडर कर रहे हैं तो जो वर्ब आती है वो कैसी आती है? प्लूरल आती है. वही कलेक्टिव नाउन वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर सबको एक ही मान रहे हो तो सिंगुलर रहेगा, अगर सबको अलग अलग मान रहे हो तो वर्ब कैसी आएगी? तो उस केस में जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी. एग्जाम्पल से समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. 10 miles needs to be covered completely on foot. 10 mile पैदल चल के जाना पड़ेगा. तो 10 mile को पूरी तरीके से पैदल चला गया, पूरी तरीके से पैदल चला गया, एक ही माना गया, तो वर्ब कैसी आई? सिंगुलर आई. लेकिन अगर 10 mile को डिवाइड कर दिया गया दो चीजों में कि कुछ पैदल चल लो भाई, कुछ गाड़ी से कवर कर लो, या कुछ ट्रेन से कवर कर लो, कुछ गाड़ी से कवर कर लो, अगर उन 10 मीलों को डिवाइड कर दिया गया अलग अलग चीजों में तो वर्ब कैसी आई? तो वर्ब प्लूरल आई. तो डिस्टेंस को अगर एक माना गया, एक तरीके से कवर किया गया, तो वर्ब विल बी सिंगुलर. अगर डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया गया कि कुछ गाड़ी से चल लो भाई, गाड़ी से चले जाओ, कुछ पैदल चल लो, दो में डिवाइड कर दिया गया, तो हमारी वर्ब कैसी आई? तो हमारी वर्ब जो आई वो प्लूरल आई. समझ में आया कॉन्सेप्ट नंबर 11? कुछ और एग्जांपल्स रीड देम. 5,000 rupees उसकी सैलरी है भाई, पूरा एक अमाउंट है, एक ही तरीके से कंसिडर किया जा रहा है, क्या आया? सिंगुलर वर्ब आई, उसकी सैलरी है. 5,000 rupees को दो चीजों में डिवाइड कर दिया गया, कुछ खाने पे खर्च किया, कुछ एंटरटेनमेंट में खर्च किया, कुछ खाने में खर्च किया, कुछ मूवी देखने में खर्च किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, तो वर्ब कैसी आई? प्लूरल आई. 6 weeks, एक ही बात की जा रही है कि बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, कैसी आई? सिंगुलर आया. 5 kilograms उसका वेट है, एक ही चीज की बात हो रही है, वर्ब कैसी आई? सिंगुलर आया. तो जब भी हाइट, स्पीड, डिस्टेंस, वेट, अमाउंट, इनको आप एक कंसिडर करते हो तो जो वर्ब होती है वो सिंगुलर आती है. अगर उसको डिवाइड कर देते हो तो जो वर्ब होती है वो प्लूरल आती है. कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? एवरीवन, यस और नो माय चैंपियंस?
चलिए अब आ गई है वो घड़ी जहाँ पे हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने टिप्स पे लाने वाले हैं, हमेशा हमेशा के लिए याद करने वाले हैं। सो रेडी एवरीवन। तो अब आ गई टेबल, आप अपनी कॉपीज में बड़ी सुंदर सी टेबल बनाना। देखो मैंने यहाँ पे पीपीटी में बड़ी सुंदर सी टेबल बना दी है, आप लोग भी अपनी कॉपीज में बहुत अच्छे से टेबल बनाना। नहीं अब आपको बताना है, टिक लगाते हुए चलना, जो जो हमने पढ़ा है उस सभी का पूरा कंप्लीट रिविजन, जो जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका कंप्लीट रिविजन करेंगे इस टेबल की हेल्प से। मोर देन वन के आगे कैसी वर्ब थी? सिंगुलर। मोर देन टू के आगे कैसी वर्ब थी? प्लूरल। अ ग्रेट मैनी के आगे कैसी वर्ब थी? प्लूरल। मैनी अ के आगे कैसी वर्ब थी? सिंगुलर। बना लीजिए इसको। तो बस टिक टिक लगाना है कि किसके आगे कौन सी वर्ब थी। आगे फिल कीजिए टेबल को। चलिए फिल इट एवरीवन। इधर और के आगे नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से थी। नीदर नॉर के आगे भी नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, नॉट ओनली बट ऑल्सो के आगे भी नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, और के केस में भी नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब थी। तो इस तरफ क्या टिक हुए? ये चारों टिक हुए। आगे बढ़ते हैं, इसको करिए। एंड एज वेल एज अलोंग विद नॉट अनलाइक, इन सबके केस में वर्ब कैसी थी? इन सब के केस में वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से थी। तो यहां पे कौन कौन से टिक हुए? सारे के सारे फर्स्ट सब्जेक्ट टिक हुए। मैम ऐसा लग रहा है इंग्लिश नहीं रीजनिंग पढ़ रहे हैं आप। इंग्लिश को समझाने के लिए क्वांट्स भी ले आते हो, कभी रीजनिंग भी ले आते हो, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को याद हो जाए, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, सिर्फ इसलिए कि आप लोग कभी भूलो ना। आगे बढ़ते हैं। इन सब के केस में टुगेदर विद इन एडिशन टू इट, इन दोनों के केस में फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से थी। ईच एवरी ईदर नीदर, इन सब के केस में सिंगुलर थी। ईच एवरी ईदर एंड नीदर। आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन्स के केस में वैसे तो सिंगुलर थी लेकिन एक्सेप्शन भी था। एक्सेप्शन जब था तो प्लूरल थी। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? जब सारी यूनिट्स अलग अलग तरीके से एक्ट कर रही थी तो प्लूरल थी। फ्रैक्शन और परसेंटेज के केस में नियर सब्जेक्ट के हिसाब से थी। अ नंबर ऑफ के केस में प्लूरल थी, द नंबर ऑफ के केस में सिंगुलर थी। लिख लो। आगे स्पीड डिस्टेंस वेट हाइट और अमाउंट सब कुछ रिवाइज कर लिया हमने एक टेबल में, जितना भी अभी तक पढ़ा था ना सारा रिवाइज हो गया एक टेबल में। इन सब के केस में वैसे तो सिंगुलर थी लेकिन इन सब के केस में एक्सेप्शन भी था। इन सब के केस में क्या भी था बेटा? एक्सेप्शन भी था। और जब एक्सेप्शन था तब कैसी वर्ब थी? तब एक्सेप्शन था तब प्लूरल थी। तो ये था आपका कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा निष्कर्ष। समझ में? बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम वो सारे के सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं। उन क्वेश्चंस की हेल्प से कॉन्सेप्ट्स भी सीखने वाले हैं, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज भी करने वाले हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करने वाले हैं। जैसा कि सभी को पता है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो डिफेंस का एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश आती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से देखने को मिलते हैं। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन टेकिंग बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो डिसीजन लिया उसके जो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसके जो बहुत सारे रिजल्ट्स थे वॉज। अब यहाँ पे जो गलती है वो वॉज में है। क्यों वॉज में गलती है? अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा सब्जेक्ट को तो इसका जो सब्जेक्ट है वो कॉन्सिक्वेंसेस है।
ये जो ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ये पूरी की पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. प्रेपोजिशन से क्या होती है, प्रेपोजिशन से एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई जाती है. तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरी की पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो कॉन्सिक्वेंसेस देखे नहीं गए थे. कॉन्सिक्वेंसेस क्योंकि प्लूरल है इसलिए यहाँ पे वॉस की जगह क्या आएगा, इसलिए यहाँ पे वॉस की जगह वर आएगा. तो फर्स्ट का आंसर था ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट. सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं. द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ जो नॉवल है उसका जो फिफ्थ और फाइनल एक्ट. देखो ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, ऑफ से स्टार्ट हो रही है, प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रही है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द एडिशनल इन्फॉर्मेशन. तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, कंटेन जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट है द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट. अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट नंबर वन याद करो, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर सेकेंड सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल नहीं लगा हुआ होता, सेकेंड सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों एक ही है, वही एक्ट फिफ्थ भी है और वही एक्ट फाइनल भी है. तो पांचवा और आखिरी एक्ट, एक ही एक्ट की बात हो रही है, इसका मतलब जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी, और सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगा हुआ आएगा. तो यहां पे कंटेन की जगह क्या आएगा, कंटेन की जगह कंटेन्स आएगा. जो फिफ्थ और फाइनल एक्ट है मैकबेथ का, उसमें स्लीप वॉकिंग वाला सीन है. चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. वन ऑफ द टेररिस्ट, हमने क्या पढ़ा था, वन ऑफ द के आगे प्लूरल नाउन आता है, बिल्कुल सही है भाई, कोई गलती नहीं है, वन ऑफ द के आगे प्लूरल नाउन आता है. ऑफ द कश्मीर वैली एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, ऑफ से क्या होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है. आर इसका सब्जेक्ट कौन है, वन ऑफ द टेररिस्ट. कॉन्सेप्ट याद आया, जब भी वन ऑफ द लगा हुआ होता है उसके आगे प्लूरल नाउन लगा हुआ होता है, और हु विच और दैट नहीं लगा होता, हु विच और दैट नहीं लगा होता, तो जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है. इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, इज नॉट डेड, एक जो टेररिस्ट है वो मरा नहीं है. आर की जगह क्या आया, आर की जगह इज आया. दैट मीन्स विच पार्ट इज इनकरेक्ट, किस पार्ट में एरर हो गया, राइट सी पार्ट में एरर हो गया. अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, 10 किलोमीटर एक बहुत लंबा डिस्टेंस है वॉक करने के लिए, किस पार्ट में एरर है. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर डी, नो एरर, कोई भी एरर इस क्वेश्चन में नहीं है. जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं, अमाउंट की बात करते हैं, वेट की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं, उसको हम जब भी एज अ होल लेते हैं, एक पूरे की तरीके से लेते हैं, तो वहां पे हम जो वर्ब लगाते हैं वो सिंगुलर होती है. इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इज बिल्कुल सही है, आंसर क्या हो गया, नो एरर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, रीड इट एंड टेल मी विच पार्ट इज इनकरेक्ट. द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस. अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पहचानना सीखो. द इंट्रोडक्शन ऑफ लगा हुआ है, प्रेपोजिशन से एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये है एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर वन. फिर से एक और प्रेपोजिशन आ गया इन, इन से एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, ये है एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर टू. जैसे ही वर्ब आती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाती है. तो इसका सब्जेक्ट कौन हुआ, इस अट्रैक्ट का सब्जेक्ट कौन है, इस अट्रैक्ट का सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी. अब ये जो इंट्रोडक्शन है ये अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते, इसका मतलब कैसी वर्ब आएगी, इसका मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, अट्रैक्ट्स, बहुत सारे बच्चों को अट्रैक्ट करता है. सी पार्ट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या एरर है, वॉट इज द एरर, रीड इट. पेशेंस एज वेल एज परसिवियरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस. परसिवियरेंस मीन्स लगातार काम करना, पेशेंस मीन्स धैर्य होना. किससे कनेक्टेड है, एज वेल एज से. जब भी दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से कनेक्टेड होते हैं, वर्ब किसके हिसाब से आती है, वर्ब आपके फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है. पेशेंस अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी, क्या आएगा,
इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, सक्सेस के लिए बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन, आंसर बताइए। अपने मार्क्स भी लिखते हुए चलना, आफ्टर एवरी 20 क्वेश्चंस यू विल टेल मी योर मार्क्स आल्सो। आप लोग मुझे अपने मार्क्स भी बताएंगे आफ्टर एवरी 20 क्वेश्चंस। इन सिंगापुर माय ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ, विद से कनेक्टेड है। जब भी दो सब्जेक्ट्स विद से कनेक्टेड होते हैं, वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। माय ब्रदर इन लॉ सिंगुलर है तो क्या आएगा, वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन। सिंगापुर में मेरा भाई, मतलब ब्रदर इन लॉ कौन हो गया, साला, मेरा साला और उनकी वाइफ फंक्शन में प्रेजेंट थे। अगला क्वेश्चन, ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स, वन ऑफ लगा हुआ है प्लूरल नाउन है, अब यहां पे हु विच और दैट आ गया। कॉन्सेप्ट याद आया, वन ऑफ लगा हो उसके आगे प्लूरल नाउन हो और उसके आगे हु विच और दैट लग जाए तो वर्ब कैसी आती है, वर्ब प्लूरल आती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, हु हैव वन अ क्लेम द वर्ल्ड ओवर, जिन्होंने पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की है। तो ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स, जिन सारे राइटर्स ने अक्लेम पाया है उनमें से वो एक है। हैस की जगह क्या आया, हैव आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स आर नाउ अंडरस्टूड बाय एवरीवन। देखो अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को बेटा। ऑफ द टाइड्स तो एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई, प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, प्रेपोजिशन से तो एडिशनल इंफॉर्मेशन शुरू होती है। इसका सब्जेक्ट कौन है, एब एंड फ्लो। अब ये जो एब और फ्लो है ये एक ही चीज को दिखा रहा है, और क्या, कि पानी का बहाव कैसा है। एब एंड फ्लो का मतलब क्या होता है, पानी का बहाव कैसा है। तो एक ही चीज है जो शो हो रही है, जब भी दो सब्जेक्ट्स एंड से कनेक्टेड होते हैं और वो एक ही चीज को पॉइंट आउट करते हैं तो वर्ब कैसी आती है, तो वर्ब सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज नाउ अंडरस्टूड बाय एवरीवन, अब सभी के द्वारा समझा जा रहा है। नेक्स्ट वन, टेल मी द आंसर। द वेल नोन पियानिस्ट, जो बहुत जाना माना पियानिस्ट था, उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती थी। अब यहां पे ना एरर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की नहीं है, एरर दूसरी है, टू के साथ वर्ब लगाई जाती है। यहाँ पे एक्शन की बात कर रहे हैं तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये जो प्रैक्टिस है ये नाउन है, इसकी वर्ब क्या होती है, इसकी वर्ब होती है प्रैक्टिस। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रैक्टिस आएगा। तो वो जो वेल नोन पियानिस्ट है जिसको सब लोग बहुत अच्छे से जानते थे, उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, वो बहुत पॉपुलर हो गया उसके बाद भी उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। Which part is incorrect? B part is incorrect. Had to में कोई error नहीं है, simple past है। Next question, मजा आ रहा है करने में। After every 20 questions, you will tell me your scores. Knowledge of at least two languages. Off लिखा हुआ है, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई, ऑफ से स्टार्ट हो रहा है। इसका सब्जेक्ट कौन है, नॉलेज। नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल है। तो नॉलेज कम से कम दो सब्जेक्ट्स की जरूरी है एग्जामिनेशन को पास करने में। तो आर की जगह क्या आएगा, इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी द आंसर। This is only one of his novels. Only one लगा हुआ है। जब भी only one लगा होता है तो verb हमेशा कैसी आती है, उस केस में verb हमेशा singular आती है जब भी only one लगा होता है। तो this is only one of his novels that is interesting. जो कैसा है, जो interesting है, that means C part is incorrect. लग रहा है अगर ये सारे क्वेश्चंस कर लिए तो कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए याद हो जाएंगे बेटा। सो मेक श्योर करो कि आप इन सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। सारे क्वेश्चंस कर लिए तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। इसलिए फोकस करो, और मुझे मैक्सिमम बच्चों के 100 में से 90 प्लस मार्क्स चाहिए। तो आप लोगों के मार्क्स भी मैं पूछते हुए चलूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आंसर बताइए. अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, कोल्ड है बेसिकली. अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर. भाई सेकेंड सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब दो अलग अलग है. एक हॉट स्प्रिंग है, एक कोल्ड स्प्रिंग है, एक दूसरे के पास पाई गई, मतलब दो चीजें हैं. ईच अदर दो के लिए इस्तेमाल करते हैं. दो है इसका मतलब क्या है, प्लूर वर्ब आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा. वर फाउंड नियर ईच अदर, एक दूसरे के पास पाई गई. नेक्स्ट वन, ईदर ऑफ द रोड्स, ईच एवरी ईदर नीदर, वर्ब कैसी आती है, ईच एवरी ईदर नीदर. सबके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लीड की जगह लीड्स टू द पार्क. इन दोनों रोड में से एक तो रोड ऐसी है जो पार्क तक ले जाती है, लीड की जगह क्या आया, लीड्स आया. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आप देख रहे हो कितनी आसानी से आप लोग कर पा रहे हो. वन ऑफ माई डिजायर्स, वन ऑफ लगा हुआ है, प्लूरल नाउन है, हु विच और दैट नहीं है. Who, which or that नहीं होता है तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है. राइट, सो वन ऑफ माई डिजायर्स इज टू बिकम अ डॉक्टर. बहुत सारे डिजायर में से मेरी एक इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज वैक्सेशंस एंड एंजाइटीज, जितनी भी परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, अनॉयंस है, चिड़चिड़ाहट है, उन सब का स्ट्रेन ऑफ से स्टार्ट हो रहा है बेटा. इसका मतलब ये सारा का सारा क्या है, इसका मतलब ये सारा का सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन है. एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब इसका सब्जेक्ट कौन हुआ, इसका सब्जेक्ट हुआ द स्ट्रेन. क्या है, अनकाउंटेबल है, मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी, इज आएगा, इज मोर देन वी कैन टॉलरेट. इन सारी चिंताओं का जो बोझ है वो हमारे टॉलरेट करने की क्षमता से ज्यादा है. नेक्स्ट वन, कम्बली इज वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ द लगा हुआ है भाई, प्लूरल नाउन लगा हुआ है, हु लगा हुआ है, तो वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन प्लस हु विच और दैट, वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच. बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ टेस्ट मैच के लिए, उनमें से कम्बली एक है, तो हु हैव बीन. नेक्स्ट वन, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी कॉफी एंड अदर सच बेवरेजेस, चाय कॉफी और ऐसी जो और चीजें हैं वो इफेक्ट के बिना नहीं है. ऑफ लगा हुआ है, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई. इसका सब्जेक्ट कौन है, इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन क्या है, सिंगुलर है, तो या फिर अनकाउंटेबल है, तो क्या आएगा, हैज नॉट बीन विदाउट इफेक्ट, तो हैव की जगह क्या आएगा, हैव की जगह हैज आएगा. समझ में आ रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन पहचानना आ रहा है. आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अचीवर सीरीज में मुझसे पूछते थे, मैम एडिशनल इंफॉर्मेशन कैसे पहचानते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन निकालने का फायदा क्या होता है, ये फायदा होता है कि आपको आपकी वर्ब का सब्जेक्ट पता चल जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वैरायटी ऑफ प्लेजेंट आइटम्स, अ वैरायटी मींस बहुत सारे, अ नंबर ऑफ मींस बहुत सारे, द नंबर ऑफ के आगे सिंगुलर वर्ब आती है, द वैरायटी ऑफ के आगे सिंगुलर वर्ब आती है, अ वैरायटी ऑफ अ नंबर ऑफ के आगे प्लूरल वर्ब आती है, तो अ वैरायटी ऑफ प्लेजेंट आइटम्स इन द शॉप अट्रैक्ट एवरीबॉडी. प्लूरल आती है, प्लूरल ही है, इसका मतलब कोई भी एरर नहीं है, नो एरर इन दिस क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज थ्री सन्स नीदर हैज एनी मेरिट. वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है बट उसके तीनों बच्चों में से किसी के अंदर कोई भी मेरिट नहीं है. हमेशा याद रखना बेटा एक कॉन्सेप्ट कि ईदर और नीदर को सिर्फ दो लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं. इट इज यूज्ड ओनली फॉर टू. अगर दो से ज्यादा होते हैं तो एनी लगाते हैं या फिर नन लगाते हैं. ईदर और नीदर दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, तो यहाँ पे नीदर नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, नन आएगा.
तीन दे रखे हैं, इसका मतलब यहाँ पे नीदर नहीं आ सकता। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन टेंथ ऑफ द पिलर। जब भी किसी फ्रैक्शन की बात करते हैं या जब भी किसी परसेंटेज की बात करते हैं, जो वर्ब होती है वो होल के हिसाब से आती है। पिलर क्या है? सिंगुलर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? हैस, और हैस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रॉटन। तो नाइन टेंथ ऑफ द पिलर हैज रॉटन अवे। विच पार्ट इज इनकरेक्ट? सी पार्ट इज इनकरेक्ट। स्कोर्स एवरीवन आउट ऑफ 20, हाँ पहले मुझे स्कोर बता दो, 20 में से अभी तक क्या क्या स्कोर रहा है, एंड नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन। अगला क्वेश्चन, देयर आर सो मेनी फिल्थ। ये जो फिल्थ है ना, गंदगी को बोलते हैं फिल्थ। फिल्थ क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। फिल्थ इज व्हाट? गंदगी। इस प्लेस के चारों ओर इतनी गंदगी है। अब अनकाउंटेबल है तो वर्ब कैसी आएगी? राइट, अनकाउंटेबल नाउन है तो जो वर्ब होगी वो हमारी सिंगुलर आएगी। तो यहां पे क्या आएगा? देयर इज सो मच फिल्थ। बहुत ज्यादा गंदगी है इस पूरी की पूरी जगह। वहां पे इज आएगा और वहां पे मैनी की जगह मच आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। अ ग्रेट मैनी, बहुत सारे बच्चे को सक्सेसफुल डिक्लेयर किया गया। क्या एरर है? अ ग्रेट मैनी है भाई, प्लूरल नाउन आता है, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? स्टूडेंट्स आएगा। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स मीन्स विच पार्ट इज इनकरेक्ट? ए पार्ट इज इनकरेक्ट, ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट वन, डू यू नो, एक मुझे सॉन्ग याद आ गया, डू यू नो है ना, वही सॉन्ग है ना शायद, आप लोगों को तो याद होगा। चले बैक टू द क्वेश्चन, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? दैट इज आई, मैं हूं जिसने ये इतना सुंदर काम किया है। बेटा आई के साथ हैज नहीं लगाते, आई के साथ क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। आई के साथ, यू के साथ, इन सब के साथ क्या लगाते हैं? हैव। तो हु हैव डन दिस पीस ऑफ ब्यूटिफुल वर्क, वो मैं हूँ जिसने इतना सुंदर काम किया है, मीन्स बी पार्ट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन, द अरेबियन नाइट्स, एक किताब का नाम है ये। नाइट्स कोई सब्जेक्ट नहीं, इट्स द नेम ऑफ अ बुक, गुलिवर ट्रेवल्स, अरेबियन नाइट्स, टू स्टेट्स, Life in Two Cities, these are names of the book, these are name of books. तो एक किताब का नाम है, तो यहाँ पे क्या आएगा? Is indeed an interesting book. The Arabian Nights एक बहुत interesting किताब है। R की जगह क्या आया? Is आया, right. अगला question, the Prime Minister along with his cabinet colleagues, ये colleagues है, typing mistake है यहाँ पे एक, कलीग्स मीन्स सहपाठी, साथ के लोग। तो प्राइम मिनिस्टर अपने कलीग्स के साथ, अलोंग विद लगा हुआ है, अलोंग विद लगा हुआ होता है तो जो वर्ब होती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आते हैं। दैट मीन्स द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? हैज बीन वेलकम्ड, वेलकम किए गए वो लोग चीफ मिनिस्टर के द्वारा एक फॉर्मल सेरेमनी में। तो हैव बीन वेलकम की जगह क्या आएगा? हैव बीन वेलकम की जगह हैज बीन वेलकम्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर ऑफ देम इज गुड, टेल मी द एरर, विच पार्ट इज इनकरेक्ट? उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है, कोई एरर नहीं है, नो एरर। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, सबके साथ क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और सिंगुलर वर्ब ही लगी हुई है, इसका मतलब कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पे देम का मतलब क्या है? दो लोगों की बात हो रही है, दो लोगों के लिए भी देम लगाते हैं, तो इसमें कोई एरर नहीं है, दो लोगों के लिए भी देम लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी द एरर,
नीदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर, जब भी नीदर नॉर होता है, ईदर और होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, या फिर और होता है, तो जो वर्ब होती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, मतलब माई ब्रदर के हिसाब से आएगी. माई ब्रदर क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इज इंटरेस्टेड. ना ही मेरी सिस्टर और ना ही मेरा भाई इंटरेस्टेड हैं दूसरे घर में मूव करने में. बी पार्ट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट इज इनकरेक्ट टेल मी. He is one of the tallest boy in the class. One of the के आगे हमेशा क्या आता है? One of the के आगे हमेशा plural noun आता है. तो यहाँ पे क्या आएगा? Tallest boys. That means B part is incorrect. Right. अगला question. 100 questions करने हैं, पूरे करने हैं सभी को आज. Our success or our failure largely depend upon our actions. क्या error है? हमारी सक्सेस और हमारा फेलियर हमारे कर्मों पर डिपेंडेंट है. हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमें सक्सेस और फेलियर मिलती है. क्या घोटाला है? और से कनेक्टेड है. जब भी दो सब्जेक्ट्स और से कनेक्टेड होते हैं वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है. फेलियर सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? लार्जली डिपेंड्स अपॉन आर एक्शंस. हमारे एक्शंस पर डिपेंड करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दो एरर्स हैं, दोनों एरर्स मुझे बताना. टू एरर्स आर देयर. शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर. वन ऑफ द के आगे क्या लगाते हैं? प्लूरल नाउन लगाते हैं. तो पहली गलती क्या है? शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स. और दूसरी गलती क्या है? वन ऑफ द लगा हुआ है, हु विच और दैट में से एक लगा हुआ है, मतलब जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? प्लूरल आएगी. दैट हैव एवर लिव्ड. आज तक जितनी भी मदर्स इस दुनिया में हैं उनमें से वो बेस्ट मदर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बताइए. नीदर द माउस नॉर द लायन वर कॉट. नीदर नॉर वर्ब किसके हिसाब से आएगी? नीदर नॉर के केस में. ना ही माउस, ना ही चूहा, ना ही शेर पकड़ा गया. वर्ब नियर सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी. लायन सिंगुलर है, इसका मतलब यहां पे क्या आएगा? वॉज कॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, बताइए क्या एरर है. द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट. पुलिस ने उसको चोरी के इंजाम में अरेस्ट कर लिया है. कोई एरर नहीं है, नो एरर. पुलिस, कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, वर्मिन, पोल्ट्री, पीजेंट्री, ये सारे के सारे वर्ड्स प्लूरल होते हैं. प्लूरल होते हैं तो इनके आगे हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है, और यहाँ पे प्लूरल वर्ब ही लगी हुई है. इसका मतलब कोई भी एरर इस क्वेश्चन में नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन. समय और टाइड मीन्स लहर किसी का इंतजार नहीं करते. भी जो क्वेश्चन आने बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट रेस करने वाला क्वेश्चन है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का मतलब होता है कि समय किसी का भी इंतजार नहीं करता. तो ये दोनों के दोनों वर्ड्स समय को शो करते हैं. ये दोनों के दोनों वर्ड्स समय को शो करते हैं. तो अगर आप इसको एक मुहावरे की तरह लेते हो तो यहाँ पे क्या आएगा? वेट्स आएगा. वेट्स फॉर नो मैन. अगर आप इसको एक ओवरऑल मुहावरा नहीं लेते, एक सेंटेंस की तरह लेते हो कि समय और समुद्र का ऊपर और नीचे जाना किसी का इंतजार नहीं करता, तो वेट भी सही है. तो एक क्वेश्चन कॉन्फ्लिक्ट है. बहुत सारे लोग बोलते हैं वेट्स आएगा, मुहावरा कंसिडर करके बहुत सारे लोग बोलते हैं वेट आएगा. बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. दोनों के दोनों सही है, बस दोनों के दोनों का मीनिंग अलग अलग है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ही एज वेल एज यू लाइक टू गो. As well as लगा हुआ है, as well as के केस में वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, he के हिसाब से आती है. he सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? Likes to go. B part is incorrect. Next question. Neither of these two documents support your claim on the property. नीदर लगा हुआ है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर. वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है. इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट तुम्हारी
क्लेम को सपोर्ट नहीं करता। वर्ब सिंगुलर आएगी, मतलब वर्ब के साथ एस और ई एस आएगा। क्या आया? सपोर्ट्स योर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी पे तुम्हारे क्लेम को सपोर्ट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन बताइए किस पार्ट में एरर है। द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम, अलोंग विद लगा हुआ है, वर्ब किसके हिसाब से आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, कैप्टन के हिसाब से आएगी। कैप्टन क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा, और क्योंकि वर्ब आएगी तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा प्रैक्टिसिंग की स्पेलिंग में? एस आएगा। तो जो कैप्टन है वो अपनी टीम के साथ बहुत मेहनत कर रहा है आगे आने वाले मैच के लिए। इज प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट इज इनकरेक्ट? रविशंकर्स परफॉर्मेंस वॉज नॉट गिवन सम मेरिट। हमेशा याद रखना है, जो सम वर्ड होता है ना बेटा, इसको पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ यूज करते हैं। किसके साथ यूज करते हैं जनरली? इसको पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ। एनी जो शब्द होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ या फिर इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? क्वेश्चंस के साथ। तो एनी को हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ इस्तेमाल करते हैं और सम को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे सम मेरिट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? एनी मेरिट। रविशंकर की परफॉर्मेंस को कोई भी मेरिट नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, विच पार्ट इज इनकरेक्ट? Hari was appointed leader of a group of young social workers that have accepted to help and develop the village in 3 months. तो Hari को appoint किया गया leader किसका? Young social workers के group का, जिस group ने accept किया था help करने के लिए। इसका subject कौन है? Social workers नहीं है, of young social workers तो group का additional information था। इसका subject कौन है? Group। इस ग्रुप का लीडर हरी है, जिस ग्रुप ने बोला था कि हम हेल्प करेंगे, जिस ग्रुप ने बोला था कि हम हेल्प करेंगे, उस ग्रुप का लीडर कौन है? हरी। दैट मींस सब्जेक्ट कौन है? ग्रुप। ग्रुप सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा? ग्रुप तो सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा? दैट हैज एक्सेप्टेड टू हेल्प, जो मान गया है मदद करने के लिए और विलेज को डेवलप करने के लिए 3 महीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Each of those boys play games in the playground. Each of लगा हुआ है, सिंपल सी बात है। वर्ब कैसी आएगी? वर्ब सिंगुलर आएगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? Plays आएगा, play नहीं आएगा। Next set of 20 questions में सभी का स्कोर, Please tell me your scores everyone. इन क्वेश्चन में क्या क्या स्कोर रहा सभी का? चलिए, Good. Ready for the next set of 20 questions? चलिए, क्वेश्चन नंबर 41। नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर हैव एवर बीन प्रिंटेड। अब देखो यहां पे गलती, आप लोग बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत होगा। जब नॉट वन लिखा होता है या फिर नन लिखा होता है, क्या लिखा होता है? नॉट वन लिखा होता है या फिर नन लिखा होता है, तो जो वर्ब है वो सिंगुलर भी लग सकती है और प्लूरल भी लग सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि नॉट वन और नन का मतलब जीरो है, तो वर्ब कैसी भी लगा सकते हो आप, सिंगुलर भी लगा सकते हो, प्लूरल भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे वर्ब में एरर नहीं थी, यहाँ पे एरर किस में थी? यहाँ पे वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो यहाँ पे लेक्चर की जगह लेक्चर्स आएगा। नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स हैव एवर बीन प्रिंटेड, सो कोई भी लेक्चर आज तक प्रिंट नहीं हुआ है। विच पार्ट इज इनकरेक्ट? ये राइट, ए इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन, ईदर सोहन और हिज फ्रेंड्स
इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस मिस्टेक. ये जो घोटाला हुआ है, ये जो पाप हुआ है, ये जो गड़बड़ हुई है, उसके लिए या तो सोहन को या उसके दोस्तों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा. और लगा हुआ है वर्ब सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, फ्रेंड्स के हिसाब से आएगी, क्या आएगा? आर आएगा. नेक्स्ट वन, द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ हैव सब्जेक्ट कौन था? मैकेनाइजेशन, ये जो लाइफ ऑटोमेशन होता जा रहा है, तो क्या आएगा? हैज लेड अस फार्दर अवे, हमें बहुत आगे ले गई है फ्रॉम ऑफ डेली कॉन्टैक्ट. थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे. हैज लेड अस अवे फ्रॉम डेली कॉन्टैक्ट विद नेचर एंड राफ्ट ऑफ द फार्म. ये जो ऑटोमेशन है ये हमें बहुत आगे ले चुका है, ले जा चुका है. हम नेचर के साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, हम फार्म में चीजों को नहीं देख पाते, तो इन सबसे हम बहुत आगे निकल चुके हैं. हैव की जगह क्या आएगा? हैज आएगा. नेक्स्ट वन, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट. अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक्सीडेंट्स क्या ड्रिंक करने से होते हैं सिर्फ? क्या एक्सीडेंट सिर्फ ड्राइव करने से होते हैं? नहीं, ड्रिंकिंग और ड्राइविंग जब एक साथ होती है तब ज्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं. तो ये दिखने में दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक ही चीज है. ये दिखने में दो अलग अलग चीजें हैं, एक्चुअल में ये एक ही चीज है कि ड्रिंक और ड्राइव एक साथ करना, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. तो क्या आएगा? इज अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, इसकी वजह से मेजरली एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन आर एक्सपेक्टेड, फिर से एवरी आ गया भाई, ईच एवरी ईदर नीदर, वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी. तो एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो, हर किसी से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो स्कूल कल आएंगे. नेक्स्ट वन, द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज डाइड. सेकेंड सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल नहीं लगा हुआ है. जब भी सेकेंड सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल नहीं लगा हुआ हो तो वो दो अलग अलग इंसान नहीं होते, वो एक ही इंसान होता है. तो वही आर्टिस्ट है, वही राइटर है, दो अलग अलग लोग नहीं है, एक ही इंसान है. वही आर्टिस्ट है, वही राइटर है जिसकी डेथ हो चुकी है, सिंगुलर वर्ब आएगी, बिल्कुल सही लगी हुई है सिंगुलर वर्ब. दैट मीन्स नो एरर, कोई भी एरर इस क्वेश्चन में नहीं है. अगला क्वेश्चन, ईदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट. ईदर और लगा हुआ है, वर्ब सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी. असिस्टेंट क्या है? सिंगुलर है, तो क्या आएगा? इज रिक्वायर्ड, या तो एक ऑफिसर या फिर एक असिस्टेंट की जरूरत है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न यूथ पे मोर अटेंशन टू सीइंग फिल्म्स देन रीडिंग बुक्स. नो एरर, कोई एरर नहीं है. बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो गया. यूथ कलेक्टिव नाउन नहीं है, यूथ हम बोल रहे हैं सारे लोगों को, जो लोग 18 ईयर्स से अबव हैं उन सबको हम यूथ बोल रहे हैं. 18 टू 25 ईयर्स ऑफ एज में है जनरली, तो बहुत सारे लोग हैं. तो वर्ब प्लूरल आएगी, तो प्लूरल ही है. दैट मीन्स इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर. अगला क्वेश्चन, इसको ठीक कर लेना. Indeed means बेशक. Gulliver's Travels एक किताब का नाम है भाई, किताब का नाम है, तो एक ही तो है किताब का नाम, तो क्या आएगा? Is indeed an interesting book. ये बेशक एक interesting book है. बेटा seeing तब नहीं आता जब present continuous tense में use करते हैं. I am seeing a car, वो गलत होता है. Present continuous में seeing नहीं आता, otherwise seeing आ सकता है. अगला question, ईदर परमीत, इसका नाम क्या है? परमीत और ज्योति हैव डन द क्राइम. ईदर और ज्योति के हिसाब से आएगी, क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, हैज डन, हैज कमिटेड द क्राइम भी बोल सकते थे. अगला क्वेश्चन, एवरी चाइल्ड इन द क्लास, एवरी लगा हुआ है, फिर से वही कॉन्सेप्ट, each, every, either, neither, verb कैसी आएगी? Singular आएगी. Is wearing sandals today. That means
बी पार्ट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड, वो फूल जो आपने अभी अभी तोड़े हैं या उठाए हैं वो 15 सेकेंड में ही खराब होना शुरू हो जाते हैं. सब्जेक्ट कौन है? ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी. सब्जेक्ट वॉज फ्लावर्स. फ्लावर्स क्या है? प्लूरल है. प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस और एस नहीं आता. तो बिगिन टू रॉट, रॉट का मतलब होता है सड़ना. 15 सेकेंड्स में ही वो सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं. अगला क्वेश्चन, एवरीवन मस्ट साइन. अभी ईच एवरी ईदर नीदर क्या होते हैं भाई? सिंगुलर होते हैं. इनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, इनके साथ एडजेक्टिव भी सिंगुलर आता है बेटा. तो देयर नहीं आएगा, हिज लगा सकते हो, हर लगा सकते हो, इट्स लगा सकते हो, तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो. एवरीवन मस्ट साइन हिज फुल नेम, और नेम्स की जगह क्या आएगा? नेम आएगा. तो हर किसी को अपना पूरा नाम साइन करना पड़ेगा हॉल में एंटर करने से पहले. That means which part is incorrect? B part is incorrect. बेटा sign को signs मत करना. जब भी कोई model verb होता है can, could, may, might, must, shall, should, हमेशा verb की first form आती है. कभी भी verb की first form में s और es नहीं आता है. Remember it. अगला question. द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में से एक है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जिसको बनाया गया है. तो यहाँ पे क्या होगा? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स, वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स. जब भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं ना, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म से देते हैं. जब भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म से देते हैं. तो यहाँ पे भी क्या आएगा? बिल्ट By man, visible from the moon. तो जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में से एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इंसान के द्वारा बनाया गया है और जो हमें चांद से भी दिखता है. Which part is incorrect? B part is incorrect. Next question. ये ना ऑटो करेक्ट लग जाता है कभी कभी, इसकी वजह से क्वेश्चंस का जो वर्ड्स है ना ये चेंज हो जाते हैं. प्रोहिबिशन एम्स एट रिड्यूसिंग ट्रैफिक एक्सीडेंट्स. प्रोहिबिशन मीन्स रोकना. ये किस लिए है? कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कम हो सके. कि बैन कर दिया गया कोई चीज़, फॉर एग्जांपल अल्कोहल बैन कर दिया गया, तो ये जो प्रोहिबिशन है इसका मकसद क्या है? कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कम हो जाए. मैनी ऑफ विच, जिनमें से बहुत सारे किसकी वजह से होते हैं? मैनी ऑफ विच आर कॉज बाय ड्रंकनेस. बहुत सारे एक्सीडेंट्स किसकी वजह से होते हैं? बहुत सारे एक्सीडेंट्स ड्रंकनेस की वजह से होते हैं. तो इसकी जगह क्या आएगा? आर आएगा और एक बीच में वहां पे वर्ड और आएगा मैनी. दोनों पार्ट्स में चेंज होगा. इस वाले पार्ट में भी चेंज होगा, बी में भी और सी में भी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. इन द वर्ल्ड क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. सब्जेक्ट कौन है? मोस्ट कंट्रीज. मोस्ट के पहले द लगाना हमेशा कंपलसरी नहीं होता है. जब कंपैरिजन करते हैं सब में सबसे अच्छा बताते हैं तो मोस्ट के आगे द लगाते हैं. जब मोस्ट का मतलब मैनी होता है, एक मोस्ट का मतलब मैनी भी होता है, तब मोस्ट के से पहले द नहीं लगता है. तो ज्यादातर कंट्रीज प्लूरल है भाई, तो क्या आएगा? आर फॉर पीस. ज्यादातर कंट्रीज जो है वो शांति के लिए है, वो सुकून के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से. 900 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग बट लाइक्स बहुत कम है. तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू लाइक दिस सेशन. जितने स्टूडेंट्स ने लाइक नहीं किया हुआ सेशन पे एक बार लाइक कर लो, और जितने स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ एक बार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी ग्रामर की वीडियोज अब इस चैनल पे आने वाली है. मैनी अ मैन कल पढ़ा था हमने, मैनी अ मैन, मोर देन वन मैन, इन सब के साथ कैसी वर्ब आती है? इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब आती है. तो यहाँ पे क्या आएगा? हैज रियलाइज. बहुत सारे लोगों ने रियलाइज किया कि जो असली खुशी है वो त्याग में है, असली खुशी सैक्रिफाइस करने में है. नेक्स्ट वन,
यहाँ पे इस कर देना. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ अ पर्सन इज हिज सिंसियरिटी. बहुत सारे फैक्टर्स में से एक सबसे अच्छा फैक्टर जिसकी वजह से क्या होती है, सक्सेस होती है, वो क्या फैक्टर है, उसकी सिंसियरिटी. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. वन ऑफ द के आगे हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो क्या आएगा, फैक्टर्स आएगा. नेक्स्ट वन, टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट समटाइम्स डिफर फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव. इसका सब्जेक्ट कौन है? देखो ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है. इसका सब्जेक्ट कौन है? अ टेक्निकल व्यू. अ टेक्निकल व्यू क्या है? सिंगुलर है, तो क्या आएगा, डिफर्स. तो टेक्निकल व्यू जो है इकोनॉमिक नजरिए से अलग होता है. टेक्निकल नजरिया अलग है, इकोनॉमिक नजरिया मतलब उसकी कॉस्ट को लेकर जो पर्सपेक्टिव है वो अलग है. नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक फेयर सिंगुलर है भाई, क्या आएगा, बुक फेयर एनकरेजेस रीडिंग हैबिट. जब भी नाउन सिंगुलर होता है वर्ब के साथ एस और एस लगता है. टेल मी योर स्कोर्स इन दीज 20 क्वेश्चंस. जो ये सेट हमने किया 20 क्वेश्चंस का, इसमें स्कोर बताइए सभी लोग. चले आगे बढ़ते हैं. अ टेल ऑफ टू सिटीज आर रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस. किताब का नाम है भाई, एक किताब का नाम है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी. इसका मतलब क्या आएगा, इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस. आर की जगह हम इज लगाएंगे. नेक्स्ट वन, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच लगा हुआ है, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी. मतलब क्या आएगा, आर क्लेवर नहीं, इज क्लेवर आएगा. नेक्स्ट वन, एज अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आई फील दैट पॉलिटिक्स आर नॉट माई कप ऑफ टी. क्या गड़बड़ है भाई, कॉन्सेप्ट को समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. जब भी पॉलिटिक्स का मतलब कोई फील्ड होता है, पॉलिटिक्स का मतलब, मैथमेटिक्स का मतलब, स्टैटिस्टिक्स का मतलब, जब भी इन तीनों वर्ड्स का मतलब कोई फील्ड होता है या कोई सब्जेक्ट होता है, तो हम वर्ब कैसे लगाते हैं, वी यूज अ सिंगुलर वर्ब. तो जब भी इनका मतलब कोई फील्ड है, कोई सब्जेक्ट है, तो वी ऑलवेज यूज अ सिंगुलर वर्ब. लेकिन जब पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिकल व्यूज होता है, पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल व्यूज, विचारधाराएं. मैथमेटिक्स का मतलब कैलकुलेशंस होता है. स्टैटिस्टिक्स का मतलब डेटा होता है. तो जब भी पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिकल व्यूज, मैथमेटिक्स का मतलब कैलकुलेशंस, स्टैटिस्टिक्स का मतलब डेटा होता है, तो हम इनके साथ कैसी वर्ब लगाते हैं, तो उस केस में जो हम वर्ब लगाते हैं वो प्लूरल होती है. तो इनके केस में हम सिंगुलर वर्ब भी लगाते हैं और प्लूरल वर्ब भी लगाते हैं. तो यहाँ पे हम पॉलिटिक्स फील्ड की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स फील्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी. मतलब मेरे बस की बात नहीं है भाई पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मेरे बस की बात नहीं है, मतलब इट इज नॉट माय कप ऑफ टी. अगला क्वेश्चन, नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, नीदर लगा हुआ है, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, हैज पेड हिज सब्सक्रिप्शन. उन दोनों में से किसी ने भी अपना सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया है. अगला क्वेश्चन, द कंपनी हैव नहीं, क्या आएगा, द कंपनी हैज. कंपनी के पास हजारों कस्टमर्स हैं जो उस कंपनी की सर्विस से खुश है. कंपनी सिंगुलर है, हैज आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर न्यू टेलीविजन सेट, जो हमारा नया टेलीविजन सेट है, वो 90 डे की वारंटी के साथ आता है सारे कंपोनेंट्स में, कोई एरर नहीं है.
सिंगुलर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगा हुआ है, मींस नो एरर, कोई भी एरर इस क्वेश्चन में नहीं है. अगला क्वेश्चन, सिंगुलर आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर एडजेक्टिव आएगा, इसका मतलब क्या है? ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप, हिज भी लगा सकते हो, हर भी लगा सकते हो, इट्स भी लगा सकते हो, तीनों के तीनों सही हैं. तो में से हर किसी को अपना दिमाग बनाना पड़ेगा जैसे मैंने बनाया. देयर की जगह क्या आएगा? हिज, हर और इट्स. नेक्स्ट वन, दिस स्टैम्प इज ओनली वन ऑफ द, ओनली वन ऑफ द के आगे वर्ब तो सिंगुलर आता है बट नाउन प्लूरल आता है, तो ओनली वन ऑफ द के आगे क्या आएगा? ओनली वन ऑफ द डिजाइंस एवर प्रिंटेड. सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? बी पार्ट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन, बताइए आंसर क्या. वर्किंग वुमेन सिंगुलर है इन इंडिया, अ वर्किंग वुमेन सिंगुलर है तो अ आर्टिकल भी लगा दो और यहाँ पे क्या आएगा? लीड्स अ लाइफ ऑफ, वर्किंग वुमेन की डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की लाइफ होती है जहाँ पे वो मैरिड भी होती है, उनकी फैमिली भी होती है. अगर वो मैरिड भी है फैमिली भी है तो उनके पास डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. बी इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, the teacher as well as the students have gone on an excursion, on an excursion. पहली गलती तो यहाँ पे n आएगा, ऊटी गए हैं वो लोग घूमने के लिए अपने समर वेकेशन के दौरान. as well as लिखा हुआ है तो verb first subject के हिसाब से आएगी. दूसरी गलती क्या है? have की जगह क्या आएगा? has आएगा. याद हो रहे हैं concepts? ऐसे याद हो रहे हैं ना कि आप कोई भी रात को नींद में भी पूछेगा कि as well as के साथ कौन सी verb आती है तो आप आराम से बता दोगे कि first subject के हिसाब से verb आती है. यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये यूएस कैपिटल है, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए यूज किया हुआ है. द यूएस डोंट वॉन्ट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल, यूएस को इंडिया नहीं चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में. यूएस एक कंट्री का नाम है भाई, कंट्री का नाम है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहां पर डोंट की जगह क्या आएगा? डजंट आएगा. द यूएस डजंट वॉन्ट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल. B is incorrect. Next question. At creation, seasons in कर देना. Creation के time पे, बनने के समय पे जो seasons थे कुछ areas में Mars के, subject कौन है? Seasons. ये तो additional information थी. तो सीजन्स में क्या आएगा? आर, सीजन्स आर सब्जेक्ट टू स्ट्रॉन्ग विंड्स, इसकी जगह क्या आया? इसकी जगह आर आया, राइट. नेक्स्ट वन, बताइए विच पार्ट इज इनकरेक्ट. 73 पे आ गए हम, वील डू 100 क्वेश्चंस टुडे, 100 क्वेश्चंस पूरे करेंगे. शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स ऑफ वेरिंग क्वालिटी, अलग अलग क्वालिटी की, ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई. तो इसका सब्जेक्ट कौन हुआ? स्टोरीज एंड पोएम्स. प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. अपीयर्स की जगह क्या आया? अपीयर. तो छोटी छोटी स्टोरीज और जो पोएम्स हैं वो डेलीज में आते हैं. डेलीज मीन्स जो डेली जर्नल्स आते हैं, न्यूज पेपर्स आते हैं उनमें, और पीरियोडिकल्स में जो पीरियड में आते हैं, मतलब वन मंथ या टू मंथ्स में आते हैं, थ्री मंथ्स में आते हैं, उनमें आती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, वन ऑफ द नाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा, मतलब डेंजरस डिसीजेस आएगा. विच पार्ट इज इनकरेक्ट? बी पार्ट इज इनकरेक्ट. अगला क्वेश्चन, द डायरेक्टर अलॉन्ग विद हिज असिस्टेंट्स, अलॉन्ग विद लगा हुआ है, वर्ब किसके हिसाब से आएगी? वेरी गुड, वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी. द डायरेक्टर सिंगुलर है तो क्या आएगा? हैज. डायरेक्टर ने अपने असिस्टेंट के साथ
बहुत अच्छे से नए प्रपोजल को एग्जामिन कर लिया है, हैज. नेक्स्ट वन, नीदर ऑफ द टीम्स, इनमें से कोई भी नहीं. ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इज सेंसिबल. कोई भी टीम में इतनी अकल नहीं है कि वो इस काम को कर पाए, इतनी सेंसिबल नहीं है कि वो उस काम को कर पाए. नेक्स्ट वन, ये तो हमने कर लिया था ना. ईच ऑफ दिस बॉयज प्लेज गेम्स, ईच के साथ वर्ब सिंगुलर आती है. अगला, नीदर नॉर के केस में वर्ब किसके हिसाब से आती है? नियरेस्ट सब्जेक्ट. हर पेरेंट्स क्या हो गया? प्लूरल. ना ही लड़की ना ही उसके पेरेंट्स वहां पर थे कि वो रिवॉर्ड को, अवार्ड को रिसीव कर पाए. वॉस की जगह क्या आया? वर देयर. दैट मीन्स बी पार्ट इज इनकरेक्ट. अगला क्वेश्चन, द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स ऑल लेफ्ट फॉर द ट्रिप. क्या एरर है? जब ऑलरेडी सब्जेक्ट है यहाँ पे टीचर और उसके स्टूडेंट्स, तो ऑल की जरूरत नहीं है. दो दो सब्जेक्ट एक साथ नहीं आते विदाउट एनी कनेक्टर, तो यहाँ पे ऑल नहीं आएगा. टीचर के साथ सारे स्टूडेंट्स सब ट्रिप के लिए चले गए. ऑल विल नॉट कम ओवर हियर. दैट मीन्स बी पार्ट इज इनकरेक्ट. अगला क्वेश्चन, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग फॉर द रीसेंट हैपनिंग इन द एरिया. इसको फॉर को हटा सकते हो, एक्स्ट्रा ये है. पुलिस, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मीन्स वो सोल्जर्स जो पैदल होते हैं. कैवलरी, वो सोल्जर्स जो घोड़े पर होते हैं. पीसेंट्री, हमारे फार्मर्स. पोल्ट्री, चिकन, हेन. पीपल, ये सारे के सारे वर्ड्स प्लूरल नाउन्स होते हैं. इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द रीसेंट हैपनिंग इन द एरिया. पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है जो अभी हुआ उस एरिया में. पुलिस के साथ क्या आएगा? आर आएगा. सो मुझे इन 80 क्वेश्चंस में लास्ट 20 में अपना स्कोर बता दो. टेल मी योर स्कोर्स. चलो आखिरी 20 सवाल आज की क्लास के, फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दूंगी और क्लास को एंड करेंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 81, यू आर मोर ब्यूटिफुल देन हर. थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बट आई नो यू विल आंसर इट, क्योंकि आपने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देखे हुए हैं. यू आर मोर ब्यूटिफुल देन शी. जब भी कंपैरिजन करते हैं तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ होता है, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ होता है. तो ये सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे भी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आएगा. मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा? यहाँ पे भी शी आएगा. सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? सी पार्ट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट, सो लेट्स लीव इट. नेक्स्ट वन, माय फ्रेंड अनु इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर्स. अगला, विच पार्ट इज इनकरेक्ट? द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स. अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगा दिया भाई यहाँ पे? अपोस्ट्रोफी एस तो तब लगता है जब किसी का किसी चीज के ऊपर हक होता है. यहाँ पे किसी का किसी चीज के ऊपर हक तो है ही नहीं, मतलब अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा. द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. कैटल भी होता है, वो एक प्लूरल नाउन होता है. अगला क्वेश्चन, सडनली दे सॉ अ कार कमिंग एट अ ब्रेकनेक स्पीड. उन्होंने देखा कि एक गाड़ी जो एक ब्रेकनेक स्पीड पर आ रही थी. एंड ओल्ड मैन, एक जो ओल्ड मैन था, सिंगुलर है भाई, वॉज क्रॉसिंग द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग. वो जो ओल्ड मैन था वो रोड को क्रॉस कर रहा था. तो वर की जगह क्या आएगा? वर की जगह वॉज आएगा. ओल्ड मैन सिंगुलर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल. एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, जब भी एंड भी लगा हो और एवरी भी लगाओ,
तो वर्ब एवरी के हिसाब से आती है, मतलब सिंगुलर आती है, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स, हर लड़का और हर लड़की को एक स्वीट्स का पैकेट दिया गया, वॉज। नेक्स्ट वन, हिज पेरेंट्स, क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं, तो हिज पेरेंट्स डू नॉट अप्रूव ऑफ हिज बिजनेस, उसके जो पेरेंट्स हैं वो अपनी हामी नहीं भर रहे उसके बिजनेस को लेके, उनको नहीं समझ आ रहा उसका बिजनेस। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट, ए डू नॉट अप्रूव। नेक्स्ट वन, द बिहेवियर ऑफ यंग बॉयज, यंग बॉयज तो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, सब्जेक्ट कौन है, बिहेवियर, बिहेवियर क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज, यहाँ पे वर्जेट नहीं वर्थ आएगा, वर्थ ऑफ कॉमेंट द वर्ल्ड ओवर, पूरी दुनिया में उसका जो बिहेवियर है वो कॉमेंट करने के लायक है, दैट मीन्स विच पार्ट इज इनकरेक्ट, बी पार्ट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन, They dreamed of a society. उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी का सपना देखा जहां पे हर कोई इक्वल था, एवरी वन सिंगुलर, एवरी वन वॉज इक्वल, दैट मीन्स सी पार्ट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन, द बॉक्स ऑफ एग्स, ऑफ एग्स तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सब्जेक्ट कौन है, बॉक्स सिंगुलर है, तो इज लाइंग ऑन द टेबल, जो बॉक्स है वो टेबल पे पड़ा है, क्या आएगा, इज। नेक्स्ट वन, फिफ्टी इयर्स हैज पास्ड सिंस मैन फर्स्ट वेंचर्ड इनटू आउटर स्पेस, 50 साल निकल चुके हैं, 50 इयर्स दे रखा है बेटा, क्या आएगा, हाफ पास्ट, पूरे के पूरे 50 साल निकल चुके हैं जब इंसान ने स्पेस में कदम रखा था, 50 इयर्स हाफ पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, वन ऑफ द क्या आगे प्लूरल नाउन आता है, वर्ब तो सिंगुलर सही आती है लेकिन हैबिट नहीं आता, हैबिट्स आएगा, वन ऑफ द के आगे हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट 8 क्वेश्चंस ऑफ द डे, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी विच पार्ट इज इनकरेक्ट, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, इंक्लूडिंग लगा होता है तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, सब्जेक्ट कौन था, ब्लॉक, ब्लॉक क्या था, सिंगुलर था, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज डिस्ट्रॉयड इन फायर, पूरा का पूरा ब्लॉक जिसमें 2 दुकानें भी थी वो आग में बर्बाद हो गया, वॉज डिस्ट्रॉयड इन फायर। नेक्स्ट वन, वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु, विच ऑफ दैट नहीं लगा हुआ, क्या आएगा, is an IAS officer, बहुत सारे फ्रेंड्स में से मेरा एक फ्रेंड IAS officer है। नेक्स्ट वन, द अरेबियन नाइट्स बुक का नाम है, क्या आएगा, इज enjoyed by all kinds of readers, ये जो किताब है ये सारे के सारे रीडर्स के द्वारा enjoy की जाती है। नेक्स्ट वन, नीदर ऑफ द गर्ल्स, किसी भी लड़की ने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, जो बच्चे वर को वॉज कह रहे हैं ना वो गलत बोल रहे हैं, वॉज वर कुछ भी नहीं आएगा, नीदर ऑफ द गर्ल्स एक्सेप्टेड द प्रपोजल, पैसिव वॉइस नहीं है कि वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, किसी भी लड़की ने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, तो एक्टिव वॉइस का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेप्टेड आएगा, जिन बच्चों एक्सेप्टेड आएगा, जिन बच्चों को एक्टिव पैसिव वॉइस में दिक्कत है डोंट वरी, कल से जो टॉपिक स्टार्ट होगा 7 बजे वो एक्टिव और पैसिव वॉइस ही होगा, सो डोंट वरी एट ऑल, जिन बच्चों को नहीं पता एक्टिव और पैसिव वॉइस का डाउट है। अगला क्वेश्चन,
मैनी अ मैन लिखा हुआ है, तो मैनी आके आगे नाउन भी सिंगुलर आती है, वर्ब भी सिंगुलर आता है. मैंने उल्टा बोल दिया क्या? नाउन भी सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर आती है. नाउन आता है, वर्ब आती है. सिंगुलर प्लूरल आप लोग अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, बट नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर. तो यहाँ पे क्या आएगा? मैनी अ मैन हैज कम टू इंडिया. बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया आए हैं बांग्लादेश से यहाँ पे परमानेंटली रहने के लिए. मीन्स बी पार्ट इज इनकरेक्ट. आखिरी तीन सवाल, नेक्स्ट. मैम दोनों में आता है ही बोली है. चलिए. नॉलेज एंड विजडम मेक्स एन इंडिविजुअल ट्रूली कंप्लीट एंड सेल्फ अश्योर्ड. नॉलेज और विजडम दो अलग अलग बातें हैं भाई. नॉलेज होना और इंटेलिजेंस होना दो अलग अलग बातें हैं. दो अलग अलग बातें हैं एंड से कनेक्टेड है. मतलब वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी. तो क्या आएगा? मेक. नॉलेज एंड और विजडम जो है इंसान को कंप्लीट बनाती है और कॉन्फिडेंट बनाती है. मेक्स की जगह मेक आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which part is incorrect? One of the boys who always give the correct answer is Samuel. कोई एरर नहीं है. नो एरर. वन ऑफ द बॉयज, वन के आगे प्लूरल नाउन है, हु लगा हुआ है, प्लूरल वर्ब है, बिल्कुल सही है. इसका सब्जेक्ट कौन है? वन. एक ही बच्चा है सैमुअल. तो यहाँ पे भी इस बिल्कुल सही लिखा हुआ है. मतलब पूरा का पूरा सही है. नो एरर इन दिस क्वेश्चन. बहुत सारे बच्चों का ये आंसर गलत निकल गया. ओवर कॉन्फिडेंट हो गए आप लोग. कोई भी एरर नहीं है. आखिरी सवाल. नीदर ही नॉर हिज वाइफ. ना ही वो ना ही उसकी वाइफ आई है. कोई एरर नहीं है. नो एरर एट ऑल. सो ये थे हमारे 100 क्वेश्चंस. पहले तो आप लोग सभी लोग मुझे अपना स्कोर बता दो कि इन 100 क्वेश्चंस में आप सभी का क्या क्या स्कोर रहा है. एवरीवन प्लीज टेल मी योर स्कोर्स आउट ऑफ 100. अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ. जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए. आप लोग मुझे होमवर्क में बताएंगे इनके आंसर्स. इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर ही दूंगी. तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ होमवर्क फॉर एवरीवन. तीन क्वेश्चंस, फोर्थ क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेते जाओ, अदरवाइज पीडीएफ भी शेयर हो जाएगा टेलीग्राम पे. फिफ्थ क्वेश्चन. सो ये पांच क्वेश्चन सभी के लिए होमवर्क. यहाँ सभी लोग कमेंट सेक्शन में इन पांचों क्वेश्चन का आंसर बताएंगे. उनमें से कुछ बच्चों को सिलेक्ट भी किया जाएगा और उनको कुछ ना कुछ प्राइजेस भी दिए जाएंगे. अब आ जाते हैं सम एडिशनल कॉन्सेप्ट्स. कल की क्लास में हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में 11 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे. अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो नाउन्स के भी हैं और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के भी हैं, मिक्सचर है, वो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको अब पढ़ाने वाली हूँ. सबसे पहली चीज़, तो हमारे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ऐसे जिनके आगे एस लगा होता है. वो वर्ड्स कभी भी अपने सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. सबसे पहले तो वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? वो वर्ड्स जो हम कह सकते हैं बिलो द बेल्ट वेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पैंट्स, पैंटलून्स, पजामाज, हैरम्स, आपके शूज, आपके सॉक्स, आपके स्लीपर्स, आपके ग्लाइडर्स, आपके स्नीकर्स, आपके जॉगर्स, ये सारे के सारे वर्ड्स प्लूरल इन नेचर होते हैं. इसका मतलब इन सारे के सारे वर्ड्स के आगे हमेशा कैसी वर्ब आती है? इन सारे के सारे वर्ड्स के आगे हम हमेशा और हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. वी नेवर यूज सिंगुलर वर्ब विद देम. तो इन वर्ड्स को एक बार पढ़ लो बेटा, बहुत बार, मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं इन वर्ड्स से. बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग लिखा हुआ हो तो कभी भी वो सिंगुलर नाउन नहीं हो सकता है. बिलोंगिंग्स मीन्स आपका सामान क्या है. आपकी सेविंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस हमेशा प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब लगाओगे. सिजर्स, प्रोसीड्स, आपको कितना पैसा मिला. सराउंडिंग्स, रिगार्ड्स, रिस्पेक्ट. प्लायर्स, इसको क्या बोलते हैं, प्लास. टोंग्स, चिमटा. जीन्स, पजामास, पैंटलून्स, शॉर्ट्स, कॉन्टेंट्स, आउटस्कर्ट्स, आसपास का एरिया. ग्लासेस, आपके स्पेक्टिकल्स. क्लोथ्स, थैंक्स, गॉगल्स, प्रमाइसेस, आपकी बिल्डिंग. सराउंडिंग्स, बिलोंगिंग्स, अर्निंग्स, इयररिंग्स. टाइडिंग्स का मतलब होता है न्यूज़.
तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके प्लूरल वर्ड्स हैं। इन सभी वर्ड्स के आगे हमेशा और हमेशा हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, कभी भी इन वर्ड्स के आगे सिंगुलर वर्ब नहीं मिल सकता। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सेंटेंसेस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आ चुके हैं, हिज रिगार्ड्स वॉज नहीं वर, उसका रिस्पेक्ट उसके पेरेंट्स को कन्वे किया गया, तो यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा। ऑल प्रोसीड्स, जितना भी पैसा आया ऑक्शन से उसको डोनेट किया गया चैरिटी पे। प्रोसीड्स प्लूरल है, प्रोसीड्स मीन्स जितना भी पैसा आया। हिज बिलोंगिंग्स, उसका जो सामान था वो खो गया, वर आएगा, वॉज नहीं आ सकता। दीज सीजर्स आर फॉर कटिंग पेपर्स, ये जो सीजर्स हैं ये पेपर काटने के लिए हैं, क्या आएगा, प्लूरल आएगा, आर आएगा। योर क्लोथ्स आर डर्टी, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स शुड नॉट कंटेन एनी पिक्चर्स, कॉन्टेंट्स, कॉन्टेंट नहीं, टेबल ऑफ कॉन्टेंट कुछ नहीं होता है, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। ट्राउजर्स प्लूरल नाउन आएगा, तो जो जितने भी मैंने आपको सारे के सारे वर्ड्स दिए हैं इनके आगे आप हमेशा और हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करोगे। क्या कॉन्सेप्ट नंबर वन क्लियर है? रिचेस, आर्म्स, प्रोसीडिंग्स, सारे के सारे वर्ड्स क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। रिचेस मीन्स अमीरी, पैसे के पंख होते हैं, उड़ जाता है। सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, चश्मा, लेंस, ग्लासेस, गॉगल्स, सनग्लासेस, हेडफोन्स, ईयरफोन्स, ईयररिंग्स, सो ऑल दीज वर्ड्स आर प्लूरल इन नेचर, क्लियर। चलो अगली बात आती है, वो वर्ड्स जिनके लास्ट में एस लगा हुआ होता है फिर भी वो सिंगुलर होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में एस और ईएस लगा हुआ है फिर भी वो वर्ड्स सिंगुलर इन नेचर है? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, न्यूज, इकोनॉमिक्स, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, एथलेटिक्स, जिमनास्टिक्स, गैलोस, गैलोस होता है पिलर्स जो खड़े किए जाते हैं किसी बिल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए। मैकेनिक्स, समन्स, समन्स वर्ड का मीनिंग होता है जो बुलावा भेजता है कोर्ट आपको पेश होने के लिए, उसको बोलते हैं समन्स। सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, इसका प्लूरल समन्सेज होता है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में एस लगा हुआ है फिर भी ये सिंगुलर है। वो सारे जिनके लास्ट में एस लगा हुआ था वो प्लूरल थे, ये सारे के सारे वर्ड्स सिंगुलर इन नेचर है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बारीकी का कॉन्सेप्ट है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। मैथमेटिक्स सभी को पता है, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स को जब सब्जेक्ट की तरह लेते हो तो इज लगाते हो, पॉलिटिक्स को जब फील्ड की तरह लेते हो तो इज लगाते हो, स्टैटिस्टिक्स को जब डेटा की तरह लेते हो तो आर लगाते हो, अदरवाइज सब्जेक्ट की तरह लेते हो तो इज लगाते हो। न्यूज अभी पढ़ा, सिंगुलर, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर वर्ब आएगा, तो दिस न्यूज वॉज आएगा, न्यूज के साथ वर्ब नहीं आएगा, न्यूज इज एन अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब आएगा। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, इन तीनों के एक्सेप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट नंबर टू क्लियर है? आंसर बेटा आपको उसका कमेंट सेक्शन में बताना है, जब ये क्लास एंड हो जाएगी तो उसके कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना होगा, क्लियर। तीसरा कॉन्सेप्ट, ये सारे वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स जिनके लास्ट में एस और ईएस कभी नहीं लग सकता, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो अनकाउंटेबल है। ये वर्ड्स एस क्या है, ये दीज वर्ड्स आर अनकाउंटेबल। तो अगर कभी भी आपको इक्विपमेंट्स लिखा हुआ मिले, फर्नीचर्स लिखा हुआ मिले, ज्वेलरीज लिखा हुआ मिले, लगेजेस लिखा हुआ मिले, मशीनरीज लिखा हुआ मिले, पोएट्रीज लिखा हुआ मिले, सीनरीज लिखा हुआ मिले, इंफॉर्मेशंस लिखा हुआ मिले, एडवाइसेस लिखा हुआ मिले, बैगेजेस लिखा हुआ मिले, तो वो एकदम गलत है। इन वर्ड्स के आगे एस और ईएस नहीं लगाया जाता है, और इन सभी वर्ड्स के आगे जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, इन सभी वर्ड्स के आगे जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। वी यूज अ सिंगुलर वर्ब विद ऑल दीज वर्ड्स। इक्विपमेंट का मतलब होता है सारा का सारा सामान, मशीनरी को, सारे के सारे मशीनरी को बोलते हैं इक्विपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हिज लगेजेस वॉज बुक्ड, गलत है, लगेजेस जैसा कोई शब्द नहीं होता है। हिज लगेज वॉज बुक्ड, लगेज में उसका सामान बुक कर लिया गया,
ले लिया गया। फर्नीचर सेट ऑफ द ब्यूटी ऑफ अ हाउस गलत है, फर्नीचर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, क्या आएगा, सेट्स ऑफ द ब्यूटी ऑफ अ हाउस, फर्नीचर से घर की सुंदरता दिखती है। ही हैज गिवन मी गुड इंफॉर्मेशन सही है, लेकिन ही हैज गिवन मी अ गुड इंफॉर्मेशन गलत है। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल होता है, काउंट नहीं कर सकते। तो वो सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो अनकाउंटेबल हैं, उन सभी वर्ड्स के साथ कैसी वर्ब आएगी, उन सभी के सभी वर्ड्स के साथ यू विल ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज अ सिंगुलर वर्ब। पोएट्रीज नहीं हो सकता, क्या होगा, पोएट्री। स्टेशनरीज नहीं हो सकता, स्टेशनरी। स्टेशनरी मीन्स आपका पेन, पेंसिल, आपकी डायरीज, वो सारा का सारा क्या होता है, स्टेशनरी होता है। कोई दिक्कत सभी को समझ में आया, सभी को सारे कॉन्सेप्ट्स आज जो हमने पढ़े? तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मैंने अपना बेस्ट दिया है आपको समझाने में, आई होप सभी को समझ में आया है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अब क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लास आपको कैसी लगी, आगे वाली होने वाली क्लासेस आपको कैसी चाहिए, किस किस टॉपिक पे चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये मेरी कुछ बुक्स हैं, अगर आप लोग बुक से पढ़ना चाहते हैं तो मेरी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में डाउट है, डिस्क्रिप्टिव की बुक है। बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस बुक चाहिए, परफेक्शन की बुक है। वोकैबुलरी में दिक्कत है, वो कैब की बुक है। ये चारों की चारों बुक्स आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाती है। जिन बच्चों को कंप्लीट इंग्लिश मुझसे पढ़नी है, पूरी की पूरी इंग्लिश, पूरी की पूरी ग्रामर, पूरी की पूरी राइटिंग इंग्लिश, पूरी रिटन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, कन्वर्सेशनल इंग्लिश, जूम सेशंस होते हैं टीचर्स के साथ जहाँ पर बच्चे वन ऑन वन इंटरेक्ट करते हैं बाकी बच्चों के साथ, हफ्ते में 2 जूम सेशंस होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको मेरे निमिषा बंसल एप्लीकेशन पे इस कोर्स में मिल जाएंगे। तो आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं और डेली बहुत सारे बच्चों के साथ जूम सेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारी की सारी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। कोई डाउट हो मेरी क्लासेस को लेके तो आप इन नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं।